हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तड़प तड़प फिल्म के रिगार्डिंग में सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं साथ ही में फिल्म से जुड़ी जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट है वो भी मैं आपको दूंगा इसके अलावा फिल्म की कहानी का एनालिसिस करेंगे डीप रिव्यू होने वाला है साथ ही में फिल्म का बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किस फिल्म का ऑफिशियल रिमेक वर्जन है उन सभी चीज़ों के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं इसके अलावा ये फिल्म ओ टी टी पे कहाँ पर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिल सकती है उसके ऊपर पूरी डिटेलिंग देने वाला हूं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहे आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तड़प जो 2021 की हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है मिलन लूतरिया ने स्टोरी आइडिया था वो ओरिजिनली अजय भूपति का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग थी राइटिंग डायलॉग वो सभी काम रजत अरोरा ने किया हुआ है और एडेप्टेटिव जो स्क्रीन प्ले वो भी मिलन लुथरिया और रजत अरोरा दोनों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था ये फिल्म जिस फिल्म का ऑफिशियल रिमेक है उस फिल्म का नाम है आर एक्स जो दो में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई थी उसके ऊपर भी मैं आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा और वो फिल्म भी आप कहाँ पे हिंदी में देख सकते हो वो भी डिटेलिंग देने वाला हूँ इससे पहले इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट एक्टर्स उनके बारे में बात कर लेते हैं तो इस फिल्म को यानी कि तड़प फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सजीत नडियादवाला और स्टार स्टूडियो ने जिन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानि नाडियदवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट और फोक स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पच्चीस करोड़ के आसपास बनाया गया था और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फोक स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको फिल्म में जिस तरह मैंने कहा कि स्टोरी अजय भूपति जो फिल्म के ओरिजिनल जो ओरिजिनल फिल्म थी उसके राइटर वही थे डायरेक्टर भी वही थे वहाँ से स्टोरी का आइडिया लिया हुआ है बाकी तो स्क्रीन प्ले मिलन लुथरेया और रजत ने मिलकर किया हुआ था और डायरेक्शन मिलन लुथरेया का देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफी की बात करें यानी कि कैमरा वर्क की बात करें तो रघुल धर्मून जिन्होंने फिल्म का कैमरा वर्क हैंडल किया हुआ था एडिटिंग की हुए राजेश जी पांडे ने जिन्होंने फिल्म को करीबन 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक की बात करें तो जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है वो जॉन स्टीवर्ट ने क्रिएट किया हुआ था इसके अलावा जो गाने सुनने को मिलते वो प्रीतम के द्वारा क्रिएट किए गए थे फिल्म में काफी सारे गाने सुनने को मिलते हैं जहाँ पे करीबन ओरिजिनल ओरिजिनल पाँच छह गाने उसके बाद रिपराइज वर्जन और इस तरह से टोटल आठ गाने आपको सुनने को मिलते हैं तो उसके ऊपर मैं आपको आगे डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म को तीन दिसंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया था करीबन

अब बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट के ऊपर तो फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ तक का कारोबार किया हुआ था इससे पहले मैं आपको लीड रोल के बारे में बता देता हूँ उसके बाद बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे कास्टिंग की बात तो शेट्टी डेब्यू फिल्म है जो सुनील शेट्टी के बेटे है। वो अपनी पहली फिल्म में एक रीमेक फिल्म लेके आए हुए जो इस फिल्म में लीड रोल में थे उनके अपोजिट कास्ट की गई थी तारा सुतरिया को साथ ही में सौरभ शुक्ला कुमुद मिश्रा राजेश खेरा जैसे एक्टर देखने को मिलते है सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सुमित गुलाटी राज विश्वकर्मा मंगल केंकारे हासिम हेदर, सौरव चक्रवर्ती ब्रिज भूषण शुक्ला सोहिला कपूर गीता राम शर्मा अभिषेक शाह और मनोज कुकसाल जैसे कई एक्टर देखने को मिलेंगे जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में काम किया हुआ है अब फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके ऊपर डिटेलिंग दो तो फिल्म ने पहले दिन पे चार करोड़ और पांच लाख का इंडिया में वर्ल्ड वाइड सॉरी इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था उसके दूसरे दिन फिल्म ने चार करोड़ बारह लाख का सेकंड डे पे ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तीसरे दिन फिल्म ने पांच करोड़ पैतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से फिल्म ने टोटल डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन तेरह करोड़ बावन लाख का कलेक्ट किया हुआ था किसी भी डेब्यूडेंट हीरो के लिए ये कलेक्शन बड़े होते इसी समय के दौरान इससे पहले शायद अंतिम फिल्म आई थी सलमान खान की जिसने भी कुछ इसी टाइप का कारोबार किया हुआ था तो इस हिसाब से माना जाएगा कि आहन सेट्टी की फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था वो भी कोविड पेंडेमिक चलते, 50 के चलते फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी के चलते महाराष्ट्र में काफ़ी सारी जगह पे फिफ्टी परसेंट ऑक्युपेंसी चल रही थी दूसरे थिएटर जहाँ पे लोग फिल्में देखना कम पसंद कर रहे थे थिएटर में जाके उस समय गाले में फिल्म ने 14 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है इंडिया में तो वो बहुत बड़ी बात है वो भी डेब्यूटेंट हीरो के लिए 30 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने करीबन 30 करोड़ का मार्क पार कर लिया था और फिल्म ने 32 करोड़ और 4 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे वर्ल्ड वाइड की बात करें ओवरसीज की बात करें तो फिल्म ने 2 करोड़ बयासी लाख का ग्रोस कलेक्शन किया होता है इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो चौंतीस करोड़ छियासी लाख था तो इस तरह से करीबन पैंतीस करोड़ के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारोबार किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फिल्म को आईएमडीबी पे छ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जिसमें क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और आई पे करीबन 2500 वोट किए गए थे उसमें से 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है तो ये एक फिल्म अच्छी खासी फिल्म बनी हुई है ओरिजिनल फिल्म का अच्छा खासा रीमेक बोल सकते हैं जिसे देखा जा सकता है इस फिल्म को जिस फिल्म से रीमेक किया गया है उस फिल्म का नाम है आर हंड्रेड अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर डिटेलिंग दूंगा तब तो उसके बारे में बात करते हैं आर एक्स की तेलुगु लैंग्वेज रोमेंटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसका राइटिंग डायरेक्शन स्टोरी वो सभी चीजें क्रिएट की हुई थी अजय भूपति ने स्क्रीन भी उनका ही था सिर्फ फिल्म में जो डायलॉग्स थे वो तजुद्दीन सईद के आपको सुनने को मिलेंगे उसमें भी अजय भूपति ने भी हेल्प की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अशोक रेड्डी गुमा कोंडा जिन्होंने फिल्म को कार्तिकेय क्रिएटिव प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में लीड रोल में आपको देखने को मिले होंगे कार्तिकेय पायल राजपूत सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरिधर ऐसे कई बेहतरीन बेहतरीन सपोर्टिंग कास्ट आपको देखने को मिली होंगी जिन्होंने फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था आर एक्स हंड्रेड फिल्म काफी बढ़िया कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक साबित हुई थी जिस तरह से फिल्म की जो थी, जिस देखने को मिलता है, वो दो करोड़ बजट के नीचे रिलीज किया गया था और फिल्म ने करीबन पच्चीस से तीस करोड़ का कारोबार किया हुआ था और इस फिल्म को आई पे सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन अट्ठाईस वोट किए गए थे इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आर एक्स हंड्रेड फिल्म और जिस तरह से अभी जो फिल्म आई हुई है तड़प उसकी कहानी लगभग लगभग सेम है सिर्फ नेटिविटी के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं वहीं पे आर एक्स हंड्रेड एक रूरल विलेज के ऊपर सेट की गई कहानी है जहाँ पे गोदावरी एरिया में फिल्म की कहानी सेट की गई थी जहाँ पे शिवा जिसका रोल प्ले कर रहे कार्तिक जो एक रगेड हेड इंसान है जो इंदु के प्यार में पड़ जाता है जिसका रोल प्ले करे है पायल राजपूत और उन दोनों के बीच में काफी रोमांस हो रही है सभी चीजें दिखाई जाती है एक दूसरे के साथ में क्लोज आ जाते हैं लेकिन उनका जो अफेयर है वो बड़ो पता चल जाता है उसके बाद दोनों कपल सेपरेट हो जाते वो कुछ ट्विस्ट की वजह से सेपरेट होते कुछ ऐसी चीज़ें होती उसकी वजह से वो दोनों सेपरेट होते तो वो ट्विस्ट क्या है वो सभी चीज़ें क्या है और कपल इन दोनों दोनों ने मिलकर किस तरह से इस ट्री की सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है फिल्म के एंड में क्या होता है यही सब फिल्म की एग्जैक्ट कहानी बनाती है जहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को आपके सामने नहीं रखा हुआ है क्योंकि फिल्म के देखते समय आपका वो मज़ा किरकिरा हो सकता है जिस वजह से मैंने स्पॉइलर फिल्म के कहानी के थ्रू नहीं दिए हुए और इसी की कहानी को तड़प में भी दिखाया हुआ है थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा के हिसाब से बाकी सभी चीजें सेम है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स जैसे कि मैंने बताया कि अशोक रेड्डी गुमाकोडा है जिन्होंने कार्तिक के क्रिएटिव वर्क्स के नीचे करीबन दो करोड़ के बजट के नीचे फिल्म को बना लिया था म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर समरण का सुनने को मिलता है सॉन्ग दिए हुए चेतन भारद्वाज ने सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो राम रेड्डी के देखने को मिलती है एडिटिंग की हुए प्रवीण केल ने और लीड कास्ट में आपको कार्तिकेय शिवा के रोल में दिखाई देते पायल राजपूत इंदू के रोल में दिखाई देती है वहीं पे राव रमेश को विश्व धम का रोल दिया गया है राम की

और फिल्म का ये साउंड ट्रैक सक्सेसफुल साबित हुआ था इसके अलावा फिल्म में काफ़ी बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेज देखने को मिले थे फिल्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ था जो ट्विस्ट आता है वो सभी चीजें फिल्म को ज्यादा पसंद आई थी सभी लोगों को वो सभी चीजें पसंद आई थी सेकंड हाफ पूरी तरह से ऑडियंस को सरप्राइज जिस तरह से करता है वो सभी चीज़ें बेहतरीन थी वहीं पे सीनियर एक्टर राम की जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर ने इंप्रेसिव क्रिशियल रोल प्ले किए हुए थे जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और दमदार और डेप्थ वाली नजर आ रही थी इसके

तरीन तरीके से निभाती है जिस वजह से आप उनके किरदार के साथ जुड़ जाओगे उन्होंने यंग हीरोइन फिल्म, फिल्म के, आपको काफी के साथ, साथ क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे कुछ आई कैंडी सीस भी देखने को मिलते जो यंगस्टर जनरेशन को जरूर अट्रैक्ट करेंगे साथ ही में फिल्म का जो क्लाइमेक्स है उसको काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ था वहाँ पे जो इमोशंस देखने को मिलते वो

करने में कामयाब रहे थे। फिल्म का कैमरा वक्त इतना शानदार देखने को मिलता है जिस वजह से सभी चीजों जो गांव का लोकेशन है जो विलेज का लोकेशन जिस तरह से सभी एक्टर के कैरेक्टर को शोकेस किया हुआ है उन सभी चीजों के लिए कैमरा मैन की तारीफ करनी पड़ेगी इस काफी शानदार वे ने वे में उन्होंने अपना काम दिखाया हुआ है इसके अलावा फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था एक लो बजट फिल्म के हिसाब से फिल्म को काफी बेहतरीन वे में सेट किया हुआ था जिसकी वजह से फिल्म की जो ऑथेंटिसिटी है वो काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे नजर आ रही थी डायलॉग्स की बात करें तो काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए थे कुछ बेहतरीन और मीनिंगफुल डायलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं साथ ही में राव रमेश के लिए जो डायलॉग्स लिखे हुए काफी अमेजिंग थे उसकी वजह से वो फिल्म को और DNMK me abre. इसके अलावा भूपति जिन्होंने फिल्म के साथ काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने कहानी को नेरेट किया हुआ था जिस तरह से स्टोरी आइडिया था उनका और एक इम्प्रेसिव ट्विस्ट देखने को मिलता है सेकंड पार्ट में वो सभी चीज़ें फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी साथ ही में जिस तरह से पूरी फिल्म को उन्होंने एंगेजिंग मैनर में नेरेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगी फिल्म के कई सारी चीज़ें ऐसी थी वो आपको आसानी से कनेक्ट कर जाती है जिस वजह से ये अनकन्वेंसनल लव स्टोरी एक ट्विस्ट के साथ नेरेट की गई है उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में पेश किया हुआ है वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आती है लीड एक्टर्स के जो परफॉर्मेंस है साथ ही में सपोर्टिंग एक्टर्स के जो डेप है वो क्रिएट करने वाली परफॉर्मेंसेस है वो फिल्म का बेसिक एसेट है साथ ही में फिल्म का जो सेटअप किया हुआ था जो स्टोरी आइडिया था जो कॉन्सेप्ट था जो ट्विस्ट था वो भी चीजें फिल्म को जरूर आपको पसंद आएगी तो इस तरह से आर एक्सन रेड फिल्म की कहानी फिल्म की जो डायरेक्शन है कमान है फिल्म का जो गान है उन सभी चीजों के ऊपर काफी बेहतरीन वे में काम किया गया था जिस वजह से ये फिल्म काफी बड़ी हिट्स हुई थी तो इस फिल्म को भी बाद में हिंदी डब किया गया था जिसके हिंदी खरीदे हुए थे एडवाइज मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज़ ने जिन्होंने काफी अच्छे खासे प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और फिल्म को काफी बेहतरीन में, में उन्होंने डब करवाया हुआ था तो आर एक्स फिल्म को अगर आप हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाम इंडिया मूवीज और एडवाइज मीडिया डिजिटल पर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में ये फिल्म देख सकते हो उसके लिए एक रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा और आर एक्स जो ओरिजी जिनल फिल्म है उसकी डबिंग भी बेहतरीन की गई है और तड़प और आर एक्स हंड्रेड की कहानी में कोई भी फेरबदल इतना लंबा खासा देखने को नहीं मिलेगा शायद आपको फ्रेम बाई फ्रेम ही रीमेक देखने को मिलेगा तो अगर आप ओरिजिनल वर्जन देखना चाहते हो तो ओरिजिनल वर्जन आप फिल्म का वाम इंडिया मूवीज और एडवाइज मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सेम नाम के साथ देख सकते हो अगर आप तड़प फिल्म ओरिजिनल ही देखना चाहते हो तो वो ऑफिशियली एमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वीडियो स्ट्रीमिंग पार्टनर वही है तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली तड़प के नाम

एक्ट्रेस है उन्होंने रमीशा नोटियाल मेहता का किरदार प्ले किया हुआ है सौरभ शुक्रा जो सुधीर जवेरी यानी यानी कि कि जो है आहन साना जावेरी के फादर का रोल करते हुए नजर आएंगे कुमुद मिश्रा जिन्होंने कुमु दामोदर नोटियाल राजेश खेरा जो इंस्पेक्टर अमितेश नेगी के रोल में दिखाई देते हैं सुमेद गुलाटी जो बंटी लोल सिंह के रोल में दिखाई देते हैं राज विश्वकर्मा जिन्होंने आदि का किरदार प्ले किया हुआ है मंगल जिन्होंने दादी का किरदार प्ले किया हुआ है हसीम हेदर जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है सौरव चक्रवर्ती जिन्होंने गोथली का रोल प्ले किया हुआ है ब्रिज भूषण शुक्ला जिन्होंने सत्यवान भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ है सोहिला कपूर जिन्होंने कैफे लेडी वाला किरदार प्ले किया हुआ है राम शर्मा जो जिया राम के रोल में दिखाई देते हैं अभिषेक शाह जिन्होंने अनुराग मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने लल्लन मोहित्रे का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से सभी एक्टर ने इन सभी कैरेक्टर को प्ले किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की कहानी है वो आर एक्स हंड्रेड से पूरी तरह से सेम टू सेम वे में एडप्ट की हुए इस कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कहानी को मसूरी एरिया में सेट किया हुआ है जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जो इशाना है वो अपने फादर का ओरिजिनल बेटा नहीं है वो एक एडोप्टिव सन है उसके रिगार्डिंग फिल्म की कहानी सेट की हुई है बाकी सभी चीजें जो ओरिजिनल वर्जन में देखने को मिलती है सेम उसी तरह से फिल्म में दिखाई हुई है तो राइटर रजत अरोरा ने अच्छी तरह से फिल्म की कहानी को एडॉप्ट किया हुआ था जो स्टोरी आइडिया था उसको बेहतरीन वे में हिंदी वर्जन में उन्होंने सेटअप किया हुआ था जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है वो सेम वे में अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये सेम वे में आपको उसी टाइप का इम्पिक डालता हुआ नजर आएगा फिल्म को अच्छा खासा वे में रिमेक किया गया है जहाँ पर डायरेक्टर रामन लुसरिया की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है वो काबिल तारीफ है जिस तरह से उन्होंने एक रिमेक फिल्म को उठाया और उस फिल्म को उस वही मैजिक के साथ हमारे सामने पेश करने में वो कामयाब रहे उन्होंने जो फिल्म का टेग लाइन है इनक्रेडिबल लव स्टोरी वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से उन्होंने हार्ड हिटिंग वे में हमारे सामने पेश की हुई है डायरेक्टर जिस तरह से फर्स्ट हाफ को अच्छी खासे लाइट मोमेंट के साथ हैंडल किया हुआ था जो रोमेंस दिखाया हुआ था उसके बाद में सेकंड हाफ में जो एक ट्रेजेडी देखने को मिलती है ट्विस्ट देखने को मिलता है जो इमोशंस देखने को मिलता है उन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था वो सभी चीज़ें बेहतरीन वे में हमारे साथ कनेक्ट होती है और हमें अच्छी तरह से हार्ड हिटिंग वे में कनेक्ट करके जाती है फिल्म का ड्रामा पा बेहतरीन वे में एंगेजिंग रखता है आहन शेट्टी और तारा सूतरिया अपने रोल में बढ़िया थे खास करके आहन शेट्टी जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार निभाया हुआ था वो काबिले तारीफ है आहन शेट्टी अब एज अ डेब्यू डांस काफी बढ़िया काम करते हुए नजर आते अपने किरदार में वो काफी बेहतरीन थे जिस तरह से उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी की हुई है जो फेशियल एक्सप्रेशन थे जिस तरह से उनके साथ जो ट्रेजेडी होती है उसके बाद उनका जो काम देखने को मिलता है वो सभी चीजें वो बढ़िया

सुनने को मिलते हैं जहाँ पे तुमसे भी ज्यादा तेरे सिवा जग में से वही सब चीज़ों को वही सब गानों को अच्छी तरह से फिल्म में डाला हुआ है गाने की ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो तुमसे भी ज्यादा वाला गाना है वो अरजीत सिंह ने गाया हुआ था जिसकी लेंथ थी पाँच मिनट उन्नीस सेकंड दूसरा गाना था तेरा सिवा जग में उसके सिंगर थे शिल्पा राव दर्शन रावल ससवंत सिंह और चरण गाने की लेंथ थी तीन मिनट छब्बीस सेकंड तीसरा गाना तो मेरा हो गया है जिसको गाया हुआ था जुबिन नोट्याल गाने की लेंथ थी पाँच मिनट नौ सेकंड

वा गाना तेरा सिवा जग में जिसका रिप्राइज वर्जन गाया हुआ था मोहम्मद इरफान और अजीज कौर ने गाने की लेंथ थी तीन मिनट सेकंड तीन सेकंड तो इस तरह से फिल्म को टोटल जो साउंड ट्रैक क्रिएट हुआ था आठ गानों का मिला के वो था चौतीस मिनट पैंतीस सेकंड जिसको काफी बेहतरीन वे में प्रीतम ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने इन सभी गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था जो फिल्म का जोनर था उसको बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर रहा था इस फिल्म के जो गाने उसको खरीदे हुए टी सीरीज ने तो उन्होंने टी सीरीज लेबल के नीचे गानों को तीन दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था जिसको रिकॉर्ड किया गया था 2020 में दो हजार बीस में और यूट्यूब कहीं दूसरे पे भी सुनने को मिल सकता है, है, है। प्रोडक्शन की बात कर तो मार्च दो में साजिद वाला ने अनाउंस किया हुआ था उन्होंने खरीदे हुए दो तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है और उसमें वो कास्ट करने वाले के बेटे, से बेटे टिबेंट आन को और उनके अपोजिट कास्ट की जाएंगी तारा सुतरिया एज दो आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद बताया गया कि इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे मिलन लूथरिया जिन्होंने इससे पहले कई बेहतरीन बेहतरीन फिल्मों को डिरेक्ट किया हुआ है तो इस लव सागा फिल्म को भी वही डिरेक्ट करने वाले और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट के थ्रू बताया था कि एक स्टार्क लव स्टोरी होने वाली है जहाँ पे बोनो, दोनों दोनों लीड एक्टर्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे तारा और आहन दोनों बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देख दे, निकाल के दिखाने में कामयाब रहेंगे तो उनके रिगार्डिंग जो वर्कशॉप था जो रिहर्सल थी वो तभी स्टार्ट कर दी गई थी और उनके बीच की जो इमेज केमिस्ट्री है उसको क्रिएट करना स्टार्ट करवा दिया गया था और उसके बाद फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी अप्रैल मुंग, मेजर हजार पोर्सन वो खास करके मुंबई और मसूरी दो एरिया में शूट किया गया था फिल्म को दस मार्च दो में पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया था और रेप अप कर लिया गया था और इन सभी चीजों को आन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू उन्होंने लिखा हुआ था कि उनकी फर्स्ट फिल्म पूरी तरह से शूटिंग होके कंप्लीट हो चुकी है और ये सभी मे मेमोरीज मेरे लिए फोर एवर हमेशा मेरे साथ रहेगी और उसके बाद में फिल्म कई बार अटकले आ रही थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट ओटीटी पे देखने को मिलेगी लेकिन बाद में साजिद नडियादवाला ने कहा कि ये फिल्म थिएटर में आएगी आहंत शेट्टी थिएटर का ही हीरो है उनके लिए ये फिल्म थिएटर में ही लाई जाएगी और ठीक उसी प्रकार फिल्म को पहले चौबीस सेप्टेम्बर दो को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में फिल्म को कोविड नाइन्टीन के चलते पूज करना पड़ा और तीन दिसंबर दो को फिल्म को फाइनली रिलीज करवा दिया गया जिसको करीबन इक्कीस सौ स्क्रीन्स मिली हुई थी जहाँ पे सोलह इंडिया में थी चार एक, चार सौ इक्यावन से ओवरसीज में दी गई थी तो अच्छी खासी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था और आहन सेट्टिक की परफॉर्मेंसिस की काफ़ी तारीफ की गई थी फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स की भी काफ़ी तारीफ की गई थी और ऑडियंस को एक फिल्म काफी पसंद आई थी जिस वजह से 25 से 30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 35 करोड़ तक का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसके अलावा इस अवेलेबल किया हुआ है जहां पे जाके आप इंजॉय कर सकते हो उन्होंने इस फिल्म के साथ इंग्लिश सब भी अटैच किए हुए हैं अगर आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पे इस फिल्म को देखना चाहते हो तो अगर आपको ये फिल्म फ्री में देखने तो तड़प के नाम से अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देख तो सकते हो लेकिन आप के पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास अमेजोन प्राइम का है, तो ये फिल्म आप बिल्कुल वहाँ पे कर सकते हो इसका जो वर्जन है, पे फ्री में अवेलेबल है जो मीडिया और वहां इंडिया मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया है जिसकी डबिंग भी अच्छी है वहाँ पे वो फिल्म भी इन्जॉय कर सकते हो तड़प जो 2021 की हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ मिलन लूथरी ने स्टोरी आइडिया था वो ओरिजिनली अजय भूपति का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग थी राइटिंग डायलॉग वो सभी काम रजत अरोरा ने किया हुआ है और एडप्टेटिव जो स्क्रीन प्ले वो भी मिलन लुथरिया और रजत अरोरा दोनों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था ये फिल्म जिस फिल्म का ऑफिशियल रिमेक है उस फिल्म का नाम है आर एक्स जो दो में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई थी उसके ऊपर भी मैं आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा और वो फिल्म भी आप कहाँ पे हिंदी में देख सकते हो वो भी डिटेलिंग देने वाला हूँ इससे पहले इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट एक्टर्स उनके बारे में बात कर लेते हैं तो इस फिल्म को यानी कि तड़प फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सजीत नडियादवाला और फोक स्टार स्टूडियो ने जिन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि नाडियाद्वाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट और स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पच्चीस करोड़ के आसपास बनाया गया था और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फोक स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको फिल्म में जिस तरह मैंने कहा कि स्टोरी अजय भूपति जो फिल्म के ओरिजिनल जो ओरिजिनल फिल्म थी उसके राइटर वही थे डायरेक्टर भी वही थे वहाँ से स्टोरी का आइडिया लिया हुआ है बाकी तो स्क्रीन प्ले मिलन लुथरिया और रजत अरोनारायण मिलकर किया हुआ था और डायरेक्शन मिलन लुथरिया का देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफी की बात करें यानी कि कैमरा वर्क की बात करें तो रघुल धर्मून जिन्होंने फिल्म का कैमरा वर्क हैंडल किया हुआ था एडिटिंग की हुए राजेश जी पांडे ने जिन्होंने फिल्म को करीबन 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक की बात करें तो जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है वो जॉन स्टीवर्ट ने क्रिएट किया हुआ था इसके अलावा जो गाने सुनने को मिलते हैं वो प्रीतम के द्वारा क्रिएट किए गए थे फिल्म में काफी सारे गाने सुनने को मिलते हैं जहाँ पे करीबन ओरिजिनल ओरिजिनल पाँच छह गाने उसके बाद रिपराइज वर्जन और इस तरह से टोटल आठ गाने आपको सुनने को मिलते हैं तो उसके ऊपर मैं आपको आगे डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म को तीन दिसंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया था करीब बन वहाँ पे मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था यानी कि बारह साल और उससे बड़े बच्चों को यह फिल्म देखनी हो तो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से कुछ वायलेशन ज्यादा हो जिसकी वजह से यह फिल्म एडल्ट कैटेगरी में गिना पाए फिल्म को वो सभी चीजों को ध्यान में रखते मिलन मिले लुथरिया ने फिल्म को क्रिएट किया हुआ था अब बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट के ऊपर तो फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ तक का कारोबार किया हुआ था इससे पहले मैं आपको लीड रोल के बारे में बता देता हूँ उसके बाद बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे कास्टिंग की बात करें तो हान शेट्टी जिनकी डेब्यू फिल्म है जो सुनील शेट्टी के बेटे है वो अपनी पहली फिल्म में एक रीमेक फिल्म लेके आए हुए जो इस फिल्म में लीड रोल में थे उनके अपोजिट कास्ट की गई थी तारा सुतरिया को साथ ही में सौरभ शुक्ला कुमुद मिश्रा राजेश खेरा जैसे एक्टर देखने को मिलते सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सुमित गुलाटी राज विश्वकर्मा मंगल केंकारे हासिम हेदर, सौरव चक्रवर्ती ब्रिज भूषण शुक्ला सोहिला कपूर गीता राम शर्मा अभिषेक शाह और मनोज कुकसाल जैसे कई एक्टर देखने को मिलेंगे जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में काम किया हुआ है अब फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके ऊपर डिटेलिंग दो तो फिल्म ने पहले दिन पे चार करोड़ और पांच लाख का इंडिया में वर्ल्ड वाइड सॉरी इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था उसके दूसरे दिन फिल्म ने चार करोड़ बारह लाख का सेकंड डे पे ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तीसरे दिन फिल्म ने 5 करोड़ पैतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से फिल्म ने टोटल डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन तेरह करोड़ बावन लाख का कलेक्ट किया हुआ था किसी भी डेब्यूडेंट हीरो के लिए ये कलेक्शन बड़े होते हैं इसी समय के दौरान इससे पहले शायद अंतिम फिल्म आई थी सलमान खान की जिसने भी कुछ इसी टाइप का कारोबार किया हुआ था तो इस हिसाब से माना जाएगा कि आहन सेट्टी की फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था वो भी कोविड पेंडेमिक चलते, 50 के चलते फिफ्टी ऑक्यूपेंसी के चलते महाराष्ट्र में काफ़ी सारी जगह पर फिफ्टी ऑक्यूपेंसी चल रही थी दूसरे थिएटर जहाँ पर लोग फिल्में देखना कम पसंद कर रहे थे थिएटर में जाके उस समय गाले में फिल्म ने चौदह करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ इंडिया में तो वो बहुत बड़ी बात है वो भी डेब्यूडेंट हीरो के लिए 30 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने करीबन 30 करोड़ का मार्क पार कर लिया था और फिल्म ने 32 करोड़ और 4 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे वर्ल्ड वाइड की बात करें करें की बात तो फिल्म ने 2 करोड़ बयासी लाख का कलेक्शन किया हुआ था इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो 34 करोड़ छियासी लाख था तो इस तरह से करीबन पैतीस करोड़ के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारोबार किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के आई रेटिंग के बारे में बात करें तो फिल्म को आई पे छह की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जिसमें क्रिटिक 100 ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और आईएमडीबी पे करीबन 2500 वोट किए गए थे उसमें से 6.1 की रेटिंग हासिल हुई है तो ये एक फिल्म अच्छी खासी फिल्म बनी हुई है ओरिजिनल फिल्म का अच्छा खासा रीमेक बोल सकते हैं जिसे देखा जा सकता है इस फिल्म को जिस फिल्म से रीमेक किया गया है उस फिल्म का नाम है RX100 अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर तो क्रिएट की हुई थी अजय भूपति ने स्क्रीन प्ले भी उनका ही था सिर्फ फिल्म में जो डायलॉग्स थे वो तजुद्दीन सैद के आपको सुनने को मिलेंगे उसमें भी अजय भूपति ने भी हेल्प की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अशोक रेड्डी गुमाकोंडा जिन्होंने इस फिल्म को कार्तिकेय क्रिएटिव वर्क प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में लीड रोल में आपको देखने को मिले होंगे कार्तिकेय पायल राजपूत सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरिधर ऐसे कई बेहतरीन बेहतरीन सपोर्टिंग कास्ट आपको देखने को मिली होंगी जिन्होंने फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था आर एक्स हंड्रेड फिल्म काफी बढ़िया कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक साबित हुई थी जिस तरह से फिल्म की 2 करोड़ बजट के नीचे रिलीज किया गया था और फिल्म ने करीबन 25 से 30 करोड़ का कारोबार किया हुआ था और इस फिल्म को आई पे सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन अट्ठाईस वोट किए गए थे इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करे तो आर एक्स हंड्रेड फिल्म और जिस तरह से अभी जो फिल्म आई हुई है तड़प उसकी कहानी लगभग लगभग सेम है सिर्फ नेटिविटी के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं वहीं पे आर एक्स हंड्रेड एक रूरल विलेज के ऊपर सेट की गई कहानी है जहाँ पे गोदावरी एरिया में फिल्म की कहानी सेट की गई थी जहाँ पे शिवा जिसका रोल प्ले करे कार्तिक जो एक रगेड हेड इंसान है जो इंदू के प्यार में पड़ जाता है जिसका रोल प्ले करे पायल राजपूत और उन दोनों के बीच में काफी रोमांस और ये सभी चीजें दिखाई जाती है एक दूसरे के साथ में क्लोज आ जाते लेकिन उनका जो अफेयर है वो बड़ो को पता चल जाता है उसके बाद दोनों कपल सेपरेट हो जाते वो कुछ ट्विस्ट की वजह से सेपरेट होते कुछ ऐसी चीज़ें होती उसकी वजह से वो दोनों सेपरेट होते तो वो ट्विस्ट क्या है वो सभी चीज़ें क्या है और कपल इन दोनों दोनों ने मिलकर किस तरह से इस ट्री की सिचुएसन को हैंडल किया हुआ है फिल्म के एंड में क्या होता है यही सब फिल्म की एक्जैक्ट कहानी बनाती है जहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को आपके सामने नहीं रखा हुआ है क्योंकि फिल्म के देखते समय आपका वो मज़ा किरकिरा हो सकता है जिस वजह से मैंने स्पॉइलर फिल्म के कहानी के थ्रू नहीं दिए हुए और इसी की कहानी को तड़प में भी दिखाया हुआ है थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा के हिसाब से बाकी सभी चीजें सेम है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स जैसे कि मैंने बताया कि अशोक रेड्डी कुमाकोंडा है जिन्होंने कार्तिक के क्रिएटिव वर्क्स के नीचे करीबन दो करोड़ के बजट के ही नीचे फिल्म को बना लिया था म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर का सुनने को मिलता है सॉन्ग दिए हुए चेतन भारद्वाज ने सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो राम रेड्डी के देखने को मिलती है एडिटिंग की हुई प्रवीण केल ने और लीड कास्ट में आपको कार्तिक के शिवा के रोल में दिखाई देते पायल राजपूत हिंदू के रोल में दिखाई देती है वहीं पर राव रमेश को विश्व धम का रोल दिया गया है राम

और फिल्म का ये साउंड ट्रैक सक्सेसफुल साबित हुआ था इसके अलावा फिल्म में काफी बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेज देखने को मिले थे फिल्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ था जो ट्विस्ट आता है वो सभी चीजें फिल्म को ज्यादा पसंद आई थी सभी लोगों को वो सभी चीजें पसंद आई थी सेकंड हाफ पूरी तरह से ऑडियंस को सरप्राइज जिस तरह से करता है वो सभी चीजें बेहतरीन थी वहीं पे सीनियर एक्टर राम की जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर ने इंप्रेसिव क्रिशल रोल प्ले किए हुए थे जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और दमदार और डेप्थ वाली नजर आ रही थी इसके

करने में कामयाब रहे थे फिल्म का कैमरा वर्क इतना शानदार देखने को मिलता है जिस वजह से सभी चीजों जो गांव का लोकेशन है जो विलेज का लोकेशन जिस तरह से सभी एक्टर के कैरेक्टर को सोकेस किया हुआ है उन सभी चीजों के लिए कैमरा मैन की तारीफ करनी पड़ेगी इस काफी शानदार वे, वे में उन्होंने अपना काम दिखाया हुआ है इसके अलावा फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था एक लो बजट फिल्म के हिसाब से फिल्म को काफी बेहतरीन वे में सेट किया हुआ था जिसकी वजह से फिल्म की जो ऑथेंटिसिटी है वो काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे नजर आ रही थी डायलॉग्स की बात करें तो काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए थे कुछ बेहतरीन और मीनिंगफुल डायलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं साथ ही में राव रमेश के लिए जो डायलॉग्स लिखे हुए काफी अमेजिंग थे उसकी वजह से वो फिल्म को और में कामयाब रहे इसके अलावा जय भूपति जिन्होंने फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने कहानी को नेरेट किया हुआ था जिस तरह से स्टोरी आइडिया था उनका और एक इंप्रेसिव ट्विस्ट देखने को मिलता है सेकंड पार्ट में वो सभी चीजें फिल्म की काफी बढ़िया थी साथ ही में जिस तरह से पूरी फिल्म को उन्होंने एंगेजिंग मैनर में नेरेट किया हुआ है वो सभी चीजें आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगी फिल्म के कई सारी चीजें ऐसी थी वो आपको आसानी से कनेक्ट कर जाती जिस वजह से ये अनकन्वेंशनल लव स्टोरी एक ट्विस्ट के साथ नेरेट की गई है, उसको काफी इंटरेस्टिंग मैनर में पेश किया हुआ है वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आती है लीड सपोर्टिंग एक्टर्स था जो ट्विस्ट था, था, था वो भी चीजें फिल्म को जरूर आपको पसंद तो इस तरह से आर एक्सन फिल्म की कहानी फिल्म की जो डायरेक्शन है, कमान है, फिल्म का जो गाने उन सभी चीजों के ऊपर काफी बेहतरीन वे में काम किया गया था जिस वजह से ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी स, तो इस फिल्म को भी बाद में हिंदी डब किया गया था जिसके हिंदी राइट्स खरीदे हुए थे एडवाइज मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज़ ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे खासे में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और फिल्म को काफी बेहतरीन में, में उन्होंने डब करवाया हुआ था तो आर एक्स हंड्रेड फिल्म को अगर आप हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाम इंडिया मूवीज और एडवाइज मीडिया डिजिटल पर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में ये फिल्म देख सकते हो उसके लिए एक रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा गा और आर एक्स हंड्रेड जो ओरिजिनल फिल्म है उसकी डबिंग भी बेहतरीन की गई है और तड़प और शायद आपको आप ओरिजिनल रेडवाइज तो मीडिया डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सेम नाम के साथ देख सकते हो अगर आप तड़प फिल्म ओरिजिनल ही देखना चाहते हो तो वो ऑफिशियली एमेजन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वीडियो स्ट्रीमिंग पार्टनर वही है तो यह फिल्म आपको

प्ले किया हुआ है मंगल केनकारे जिन्होंने दादी का किरदार प्ले किया हुआ है हसीम हैदर जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है सौरभ चक्रवर्ती जिन्होंने गोतली का रोल प्ले किया हुआ है ब्रिज भूषण शुक्ला जिन्होंने सत्यवान भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ है सोहिला कपूर जिन्होंने कैफे लेडी वाला किरदार प्ले किया हुआ है गीता राम शर्मा जो जिया राम के रोल में दिखाई देते हैं अभिषेक शाह जिन्होंने अनुराग मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने लल्लन मोहित्रे का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से सभी एक्टर ने इन सभी कैरेक्टर को प्ले किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की कहानी है वो आर एक्स हंड्रेड से पूरी तरह से सेम टू सेम वे में अडपट किए हुए इस कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कहानी को मसूरी एरिया में सेट किया हुआ है जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जो इसाना है वो अपने फादर का ओरिजिनल बेटा नहीं है वो एक एडोप्टिव सन है उसके रिगार्डिंग फिल्म की कहानी सेट की हुई है बाकी सभी चीजें जो ओरिजिनल वर्जन में देखने को मिलती है सेम उसी तरह से फिल्म में दिखाई हुई है तो राइटर रजत अरोरा ने अच्छी तरह से फिल्म की कहानी को एडअप्ट किया हुआ था जो स्टोरी आइडिया था उसको बेहतरीन वे में हिंदी वर्जन में उन्होंने सेटअप किया हुआ था जो डायलॉग सुनने को मिलते है जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है वो सेम वे में अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये सेम वे में आपको उसी टाइप का इम्पिक डालता हुआ नजर आएगा फिल्म को अच्छा खासा वे में रीमेक किया गया है जहाँ पर डायरेक्टर मिलन लुसरिया की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है वो काबिले तारीफ है जिस तरह से उन्होंने एक रीमेक फिल्म को उठाया और उस फिल्म को उस वही मैजिक के साथ हमारे सामने पेश करने में वो कामयाब रहे उन्होंने जो फिल्म का टेग लाइन इनक्रेडिबल इंक्रेड, लव स्टोरी वो सभी चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने हार्ड हिटिंग वे में हमारे सामने पेश की हुई है डायरेक्टर जिस तरह से फर्स्ट हाफ को अच्छी खासे लाइट मोमेंट के साथ हैंडल किया हुआ था जो रोमेंस दिखाया हुआ था उसके बाद में सेकंड हाफ में जो एक ट्रेजेडी देखने को मिलती है ट्विस्ट देखने को मिलता है जो इमोशंस देखने को मिलता है उन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था वो सभी चीजें बेहतरीन वे में हमारे साथ कनेक्ट होती है और हमें अच्छी तरह से हार्ड हिटिंग वे में कनेक्ट करके जाती है फिल्म का ड्रामा पा बेहतरीन वे में एंगेजिंग रखता है आहन शेट्टी और तारा सुतरिया अपने रोल में बढ़िया थे खास करके आहंत शेट्टी जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार निभाया हुआ था वो काबिले तारीफ है आनंद शेट्टी अब एज ए डेब्यूड काफी बढ़िया काम करते हुए नजर आते अपने किरदार में वो काफी बेहतरीन थे जिस तरह से उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी की हुई है जो फेशियल एक्सप्रेशन थे जिस तरह से उनके साथ जो ट्रेजेडी होती है उसके बाद उनका जो काम देखने को मिलता है वो सभी चीजें वो बढ़िया थी

काफी बेहतरीन वे में एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे फिल्म में कुमुन मिश्रा ने भी अच्छा खासा काम किया हुआ है जिन्होंने फिल्म में अच्छी खासी डेप्थ क्रिएट की हुई थी राजेश खेरा सुमित गुलाटी बाकी सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट इतने बेहतरीन थे जिस वजह से फिल्म एक्टिंग डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी साथ ही में फिल्म टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी इतनी मजबूत थी जिस तरह से रंग का रंगोल का कैमरा वर्क देखने को मिलता है मसूरी के लोकेशन साथ ही में जो किरदार थे उसको जिस तरह से स्टोरी थी उसको जिस तरह से पेश किया हुआ था कैमरा वर्क ने अच्छी तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके पेश किया हुआ था एडिटिंग अच्छी देखने को मिलती है राजेश पांडे ने अच्छी तरह से फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ काफी सारी चीजों को फिल्म के दो मिनट दो घंटे के करीबन दो घंटे के रन टाइम में काफी सारी चीजों को दिखा दिया जो देखने में आपको जरूर मजा आएगा म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था जिस तरह से फिल्म की कहानी चलती रहती है उसी तरह के अप डाउन वाले बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिलते सॉन्ग्स प्रीतम ने अच्छी तरह से क्रिएट किए गए थे जहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया सॉन्ग सुनने को मिलते जहाँ पे तुमसे भी ज्यादा तेरे सिवा जग में से वही सब चीजों को वही सब गानों को अच्छी तरह से फिल्म में डाला हुआ है गाने की ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो तुमसे भी ज्यादा वाला गाना है वो अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था जिसकी लेंथ थी पाँच मिनट उन्नीस सेकंड दूसरा गाना था तेरा सिवा जग में उसके सिंगर थे शिल्पा राव दर्शन रावल ससवंत सिंह और चरण गाने की लेंथ तीन मिनट छब्बीस सेकंड तीसरा गाना तो मेरा हो गया है जिसको गाया हुआ था जो बी गाने की लेंथ पांच मिनट नौ सेकंड चौथा गाना हो इसकना जिसके सिंगर थे बी प्राग डीनो जेम्स और गाने की लेंथ थी चार मिनट उनचालीस सेकंड पांचवा गाना तेरा सिवा जग में जो कैफे एडिट वाला था उसको दर्शन रावल ने ही गाया हुआ था और गाने की लेंथ थी तीन मिनट पैंतीस सेकंड छठा गाना ये दिला मर्जन

ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने इन सभी गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था जो फिल्म का जोनर था उसको बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर रहा था इस फिल्म के जो गाने उसको खरीदे हुए टी टी सीरीज सीरीज ने तो उन्होंने टी सीरीज लेबल के नीचे गानों को को दिसंबर रिलीज किया गया था जिसको रिकॉर्ड किया गया था बीस में और ये ऑफिशियल ऑडियो आप यूट्यूब के अलावा कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी सुनने को मिल सकता है और इन सभी गानों के जो लिरिक्स थे जो राइटिंग थी वो सभी की हुई है इसमिल ने जो राइटिंग थी वो काफी मीनिंगफुल वाली सुनने को मिल प्रोडक्शन की बात कर तो 2019 में साजिद वाला ने अनाउंस किया हुआ था कि उन्होंने RX 100 के राइट्स और उनके अपोजिट कास्ट की जाएंगी तारा सुतरिया जा आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद बताया गया कि इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे मिलन लुथरिया जिन्होंने इससे पहले कई बेहतरीन बेहतरीन फिल्मों को डरेक्ट किया हुआ है तो इस लव सागा फिल्म को भी वही डिरेक्ट करने वाले और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट के थ्रू बताया था कि एक स्टार्क लव स्टोरी होने वाली है जहाँ पे दोनों दोनों लीड एक्टर्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स देखने को मिलते जहाँ पे तारा और आहन दोनों बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देख निकाल के दिखाने में कामयाब रहेंगे तो उनके रिगार्डिंग जो वर्कशॉप था जो रिहर्सल थी वो तभी स्टार्ट कर दी गई थी और उनके बीच की जो इमेंस केमिस्ट्री है उसको क्रिएट करना स्टार्ट करवा दिया गया था और उसके बाद फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट मुंग, मेजर, मेजर खास करके मुंबई और मसूरी दो एरिया में शूट किया गया था फिल्म को दस मार्च दो में पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया था और रेपअप कर लिया गया था और इन सभी चीजों को आन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू उन्होंने लिखा हुआ था कि उनकी फर्स्ट फिल्म पूरी तरह से शूटिंग होकर कंप्लीट हो चुकी है और ये सभी मे मेमोरीज मेरे लिए फॉर एवर हमेशा मेरे साथ रहेगी और उसके बाद में फिल्म कई बार अटकले आ रही थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट ओटीटी पे देखने को मिलेगी लेकिन बाद में साजिद नडियादवाला ने कहा कि ये फिल्म थिएटर में आएगी अहन सेट्टी थिएटर का ही हीरो है उनके लिए ये फिल्म थिएटर में ही लाई जाएगी और ठीक उसी प्रकार फिल्म को पहले चौबीस सेप्टेम्बर दो को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में फिल्म को कोविड नाइन्टीन के चलते पूज करना पड़ा और तीन दिसंबर दो को फिल्म को फाइनली रिलीज करवा दिया गया जिसको करीबन इक्कीस सौ स्क्रीन्स मिली हुई थी जहाँ पे सोलह इंडिया में थी चार एक, चार सौ इक्यावन से स्क्रीन्स ओवरसीज में दी गई थी तो अच्छी खासी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था और आहन से टिक की परफॉर्मेंसेज की काफ़ी तारीफ की गई थी फिल्म के ट्विस्ट और टंस की भी काफ़ी तारीफ की गई थी और ऑडियंस को

ने स्टोरी आइडिया था वो ओरिजिनली अजय भूपति का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग थी राइटिंग डायलॉग वो सभी काम रजत अरोरा ने किया हुआ है और एडप्टेटिव जो स्क्रीन प्ले वो भी मिलन लुथरिया और रजत अरोरा दोनों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था ये फिल्म जिस फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है उस फिल्म का नाम है आर एक्स जो दो में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी उसके ऊपर भी मैं आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा और वो फिल्म भी आप कहाँ पे हिंदी में देख सकते हो वो भी डिटेलिंग देने वाला हूँ इससे पहले इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट एक्टर्स उनके बारे में बात कर लेते हैं तो इस फिल्म को यानी कि तड़प फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सजीत नाडियाद्वाला और फोक स्टार स्टूडियो ने जिन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि नाडियादवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट और फोक स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पच्चीस करोड़ के आसपास बनाया गया था और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फोक स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको फिल्म में जिस तरह मैंने कहा कि स्टोरी अजय भूपति जो फिल्म के ओरिजिनल जो ओरिजिनल फिल्म थी उसके राइटर वही थे डायरेक्टर भी वही थे वहां से स्टोरी का आइडिया लिया हुआ है बाकी तो स्क्रीन प्ले मिलन लुथरे और रजत अरुणारायण मिलकर किया हुआ था और डायरेक्शन मिलन लुथरे का देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफी की बात करें यानी कि कैमरा वर्क की बात करें तो रघुल धर्मून जिन्होंने फिल्म का कैमरा वर्क हैंडल किया हुआ था एडिटिंग की हुए राजेश जी पांडे ने फिल्म को करीबन 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक की बात करें तो जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है वो जॉन स्टीवर्ट ने क्रिएट किया हुआ था इसके अलावा जो गाने सुनने को मिलते हैं वो प्रीतम के द्वारा क्रिएट किए गए थे फिल्म में काफ़ी सारे गाने सुनने को मिलते हैं जहाँ पे करीबन ओरिजिनल ओरिजिनल पाँच छह गाने उसके बाद रिपराइज वर्जन और इस तरह से टोटल आठ गाने आपको सुनने को मिलते हैं तो उसके ऊपर मैं आपको आगे डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म को तीन दिसंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया था करीब वहां के रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म फिल्म को को रिलीज किया गया था यानी कि 12 साल और उससे बड़े बच्चों को ये फिल्म देखनी हो तो अपने से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके अलावा फिल्म ऐसा कुछ ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से कुछ वायोलेशन ज्यादा हो जिसकी वजह से यह फिल्म एडल्ट कैटेगरी में गिना पाए फिल्म को वो सभी चीजों को ध्यान में रखते मिलन लुथरिया ने फिल्म को क्रिएट किया हुआ था अब बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट के ऊपर तो फिल्म का बजट करीबन पच्चीस करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर पैंतीस करोड़ तक का कारोबार किया हुआ था इससे पहले मैं आपको लीड रोल के बारे में बता देता हूँ उसके बाद बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे की कर तो फिल्म है। जो, जो इस फिल्म में लीड रोल में थे उनके अपोजिट कास्ट की गई थी तारा सुतरिया को साथ ही में सौरभ शुक्ला कुमुद मिश्रा राजेश खेरा जैसे एक्टर देखने को मिलते सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सुमित गुलाटी राज विश्वकर्मा मंगल केंकारे हासिम हैदर सौरव चक्रवर्ती ब्रिज भूषण शुक्ला सोहिला कपूर गीता राम शर्मा अभिषेक शाह और मनोज कुकसाल जैसे कई एक्टर देखने को मिलेंगे जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में काम किया हुआ है अब फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके ऊपर डिटेलिंग दो तो फिल्म ने पहले दिन पे चार करोड़ और पांच लाख का इंडिया में वर्ल्ड वाइड सॉरी इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था उसके दूसरे दिन फिल्म ने चार करोड़ बारह लाख का सेकंड डे पे ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तीसरे दिन फिल्म ने पांच करोड़ पैतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से फिल्म ने टोटल डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन तेरह करोड़ बावन लाख का कलेक्ट किया हुआ था किसी भी डेब्यूडेंट हीरो के लिए ये कलेक्शन बड़े होते इसी समय के दौरान इससे पहले शायद अंतिम फिल्म आई थी सलमान खान की जिसने भी कुछ इसी टाइप का कारोबार किया हुआ था तो इस हिसाब से माना जाएगा कि आहन सेट्टी की फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था वो भी कोविड पेंडेमिक के चलते फिफ्टी परसेंट ऑक्युपेंसी के चलते महाराष्ट्र में काफ़ी सारी जगह पे फिफ्टी परसेंट ऑक्युपेंसी चल रही थी दूसरे थिएटर जहाँ पे लोग फिल्में देखना कम पसंद कर रहे थे थिएटर में जाके उस समय गाले में फिल्म चौदह करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ इंडिया में तो वो बहुत बड़ी बात है वो भी डेब्यूडेंट हीरो के लिए 30 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने करीबन 30 करोड़ का मार्क पार कर लिया था और फिल्म ने 32 करोड़ और 4 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे वर्ल्ड वाइड की बात करें ओवरसीज की बात करें तो फिल्म ने 2 करोड़ बयासी लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो चौंतीस करोड़ छियासी लाख था तो इस तरह से करीबन पैतीस करोड़ के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारोबार किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फिल्म को आईएमडीबी पे छह की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जिसमें क्रिटिक और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और आईएमडीबी पे करीबन 2500 वोट किए गए थे उसमें से पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई है तो ये एक फिल्म अच्छी खासी फिल्म बनी हुई है ओरिजिनल फिल्म का अच्छा खासा रीमेक बोल सकते हैं जिसे देखा जा सकता है इस फिल्म को जिस फिल्म से रीमेक किया गया है उस फिल्म का नाम है RX100 अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर तो क्रिएट की हुई थी अजय भूपति ने स्क्रीन प्ले भी उनका ही था सिर्फ फिल्म में जो डायलॉग्स थे वो तजुद्दीन सैद के आपको सुनने को मिलेंगे उसमें भी अजय भूपति ने भी हेल्प की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अशोक रेड्डी गुमा कोंडा जिन्होंने इस फिल्म को कार्तिकेय क्रिएटिव प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में लीड रोल में आपको देखने को मिले होंगे कार्तिकेय पायल राजपूत सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरिधर ऐसे कई बेहतरीन बेहतरीन सपोर्टिंग कास्ट आपको देखने को मिली होंगी जिन्होंने फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था आर एक्स हंड्रेड फिल्म काफी बढ़िया कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक साबित हुई थी जिस तरह से फिल्म की जो थी, जिस दो करोड़ बजट के नीचे रिलीज किया गया था और फिल्म ने करीबन पच्चीस से तीस करोड़ का कारोबार किया हुआ था और इस फिल्म को आई पे सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन अट्ठाईस वोट किए गए थे इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो हर एक हंड्रेड फिल्म और जिस तरह से अभी जो फिल्म आई हुई है तड़प उसकी कहानी लगभग लगभग सेम है सिर्फ नेटिविटी के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं वहीं पे पेड्रेड एक रूरल विलेज के ऊपर सेट की गई कहानी है जहाँ पे गोदावरी एरिया में फिल्म की कहानी सेट की गई थी जहाँ पे शिवा जिसका रोल प्ले करे कार्तिक के जो एक रगेड हेड इंसान है जो इंदु के प्यार में पड़ जाता है जिसका रोल प्ले करे पायल राजपूत और उन दोनों के बीच में काफी रोमांस और ये सभी चीजें दिखाई जाती है एक दूसरे के साथ में क्लोज आ जाते हैं लेकिन उनका जो अफेयर है वो बड़ो को पता चल जाता है उसके बाद दोनों कपल सेपरेट हो जाते वो कुछ ट्विस्ट की वजह से सेपरेट होते कुछ ऐसी चीज़ें होते उसकी वजह से वो दोनों सेपरेट होते तो वो ट्विस्ट क्या है वो सभी चीज़ें क्या है और कपल इन दोनों दोनों ने मिलकर किस तरह से इस ट्री की सिचुएसन को हैंडल किया हुआ है फिल्म के एंड में क्या होता है यही सब फिल्म की एग्जैक्ट कहानी बनाती है जहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को आपके सामने नहीं रखा हुआ है क्योंकि फिल्म के देखते समय आपका वो मज़ा किरकिरा हो सकता है जिस वजह से मैंने स्पॉइलर फिल्म के कहानी के थ्रू नहीं दिए हुए और इसी की कहानी को तड़प में भी दिखाया हुआ है थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा के हिसाब से बाकी सभी चीजें सेम है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स जैसे कि मैंने बताया कि अशोक रेड्डी गुमाकोंडा है जिन्होंने कार्तिक के क्रिएटिव वर्क्स के नीचे करीबन दो करोड़ के बजट के ही नीचे फिल्म को बना लिया था म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर समरण का सुनने को मिलता है सॉन्ग दिए हुए चेतन भारद्वाज ने सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो राम रेड्डी के देखने को मिलती है एडिटिंग की हुए प्रवीण केल ने और लीड कास्ट में आपको कार्तिक के शिवा के रोल में दिखाई देते पायल राजपूत हिंदू के रोल में दिखाई देती है वहीं पर राव रमेश को विश्व धम का रोल दिया गया है राम की

और फिल्म का ये साउंड ट्रैक सक्सेसफुल साबित हुआ था इसके अलावा फिल्म में काफ़ी बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेज देखने को मिले थे फिल्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ था जो ट्विस्ट आता है वो सभी चीज़ें फिल्म को ज्यादा पसंद आई थी सभी लोगों को वो सभी चीज़ें पसंद आई थी सेकंड हाफ पूरी तरह से ऑडियंस को सरप्राइज जिस तरह से करता है वो सभी चीज़ें बेहतरीन थी वहीं पे सीनियर एक्टर राम की जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर ने इंप्रेसिव क्रिशल रोल प्ले किए हुए थे जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और दमदार और डेप्थ वाली नजर आ रही थी इसके

करने में कामयाब रहे थे फिल्म का कैमरा वक्त इतना शानदार देखने को मिलता है जिस वजह से सभी चीजों जो गांव का लोकेशन है जो विलेज का लोकेशन जिस तरह से सभी एक्टर के कैरेक्टर को सोकेस किया हुआ है उन सभी चीजों के लिए कैमरा मैन की तारीफ करनी पड़ेगी इस काफी शानदार वे ने वे में उन्होंने अपना काम दिखाया हुआ है इसके अलावा फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था एक लो बजट फिल्म के हिसाब से फिल्म को काफी बेहतरीन वे में सेट किया हुआ था जिसकी वजह से फिल्म की जो ऑथेंटिसिटी है वो काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे नजर आ रही थी डायलॉग्स की बात करे तो काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए थे कुछ बेहतरीन और मीनिंगफुल डायलॉग्स भी सुनने को मिलते है साथ ही में राव रमेश के लिए जो डायलॉग्स लिखे हुए काफी अमेजिंग थे उसकी वजह से वो फिल्म को और देने में कामयाब रहे इसके अलावा जय भूपति जिन्होंने फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने कहानी को नेरेट किया हुआ था जिस तरह से स्टोरी आइडिया था उनका और एक इंप्रेसिव ट्विस्ट देखने को मिलता है सेकंड पार्ट में वो सभी चीजें फिल्म की काफी बढ़िया थी साथ ही में जिस तरह से पूरी फिल्म को उन्होंने एंगेजिंग मैनर में नेरेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगी फिल्म के कई सारी चीज़ें ऐसी थी वो आपको आसानी से कनेक्ट कर जाती जिस वजह से ये अनकन्वेंसनल लव स्टोरी एक ट्विस्ट के साथ नेरेट की गई

जैसे ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी स, तो इस फिल्म को भी बाद में हिंदी डब किया गया था जिसके हिंदी राइट्स खरीदे हुए थे एडवाइज़ मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और फिल्म को काफ़ी बेहतरीन वे में, में उन्होंने डब करवाया हुआ था तो आर एक्स फिल्म को अगर आप हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाम इंडिया मूवीज़ और एडवाइज़ मीडिया डिजिटल पर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में ये फिल्म देख सकते हो उसके लिए एक रुपया भी खर्चा नहीं करने पड़ेगा

प्ले किया हुआ है मंगल केनकारे जिन्होंने दादी का किरदार प्ले किया हुआ है हसीम हैदर जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है सौरभ चक्रवर्ती जिन्होंने गोतली का रोल प्ले किया हुआ है ब्रिज भूषण शुक्ला जिन्होंने सत्यवान भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ है सोहिला कपूर जिन्होंने कैफे लेडी वाला किरदार प्ले किया हुआ है गीता राम शर्मा जो जिया राम के रोल में दिखाई देते हैं अभिषेक शाह जिन्होंने अनुराग मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने लल्लन मोहित्रे का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से सभी एक्टर ने इन सभी कैरेक्टर को प्ले किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की कहानी है वो आर एक्स हंड्रेड से पूरी तरह से सेम टू सेम वे में एडप्ट की हुए इस कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कहानी को मसूरी एरिया में सेट किया हुआ है जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जो इशाना है वो अपने फादर का ओरिजिनल बेटा नहीं है वो एक एडोप्टिव सन है उसके रिगार्डिंग फिल्म की कहानी सेट की हुई है बाकी सभी चीजें जो ओरिजिनल वर्जन में देखने को मिलती है सेम उसी तरह से फिल्म में दिखाई हुई है तो राइटर रजत अरोरा ने अच्छी तरह से फिल्म की कहानी को अडप्ट किया हुआ था जो स्टोरी आइडिया था उसको बेहतरीन वे में हिंदी वर्जन में उन्होंने सेटअप किया हुआ था जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है वो सेम वे में अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये सेम वे में आपको उसी टाइप का इम्पिक डालता हुआ नजर आएगा फिल्म को अच्छा खासा वे में रीमेक किया गया है जहाँ पर डायरेक्टर रामन लुसरिया की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है वो काबिल तारीफ है जिस तरह से उन्होंने एक रीमेक फिल्म को उठाया और उस फिल्म को उस वही मैजिक के साथ हमारे सामने पेश करने में वो कामयाब रहे उन्होंने जो फिल्म का टेग लाइन इनक्रेडिबल लव स्टोरी वो सभी चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने हार्ड हिटिंग वे में हमारे सामने पेश की हुई है डायरेक्टर जिस तरह से फर्स्ट आपको अच्छी खासे लाइट मोमेंट के साथ हैंडल किया हुआ था जो रोमेंस दिखाया हुआ था उसके बाद में सेकंड हाफ में जो एक ट्रेजेडी देखने को मिलती है ट्विस्ट देखने को मिलता है जो इमोशंस देखने को मिलता है उन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था वो सभी चीजें बेहतरीन वे में हमारे साथ कनेक्ट होती है और हमें अच्छी तरह से हार्ड हिटिंग वे में कनेक्ट करके जाती है फिल्म का ड्रामा पा बेहतरीन वे में एंगेजिंग लगता है आहन शेट्टी और तारा सुतरिया अपने रोल में बढ़िया थे खास करके आहन शेट्टी जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार निभाया हुआ था वो काबिले तारीफ है आहन शेट्टी अब एज अ डेब्यू डांस काफी बढ़िया काम करते हुए नजर आते अपने किरदार में वो काफी बेहतरीन थे जिस तरह से उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी की हुई है जो फेशियल एक्सप्रेशन थे जिस तरह से उनके साथ जो ट्रे ट्रेजिडी होती है उसके बाद उनका जो काम देखने को मिलता है वो सभी चीजें वो बढ़िया

और काफी बेहतरीन वे में एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे फिल्म में कुमोन मिश्रा ने भी अच्छा खासा काम किया हुआ है जिन्होंने फिल्म फिल्म में अच्छी खासी डेप्थ क्रिएट की हुई थी राजेश रा, गुलाटी बाकी सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट इतने बेहतरीन थे जिस वजह से फिल्म एक्टिंग डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी साथ ही में फिल्म टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी इतनी मजबूत थी जिस तरह से रंग रंगोल का कैमरा वर्क देखने को मिलता है मसूरी के लोकेशन साथ ही में जो किरदार थे उसको जिस तरह से स्टोरी थी उसको जिस तरह से पेश किया हुआ था कैमरा

सुनने को मिलते जहाँ पे तुमसे भी ज्यादा तेरे सिवा जग में वही सब चीजों को अच्छी तरह से फिल्म में डाला हुआ है गाने की की बात करें, तो तुमसे भी ज्यादा वाला गाना है वो अरजीत सिंह ने गाया हुआ था जिसकी लेंथ थी पांच मिनट उन्नीस सेकंड दूसरा गाना था तेरा सिवा जग में उसके सिंगर थे शिल्पा राव दर्शन रावल ससवंत सिंह और चरण गाने की लेंथ थी तीन मिनट छब्बीस सेकंड तीसरा गाना तो मेरा हो गया है जिसको गाया हुआ था जुबिन नोट्याल गाने की लेंथ थी पांच मिनट नौ सेकंड

गाना तेरा सिवा जग में जिसका रिप्राइज वर्जन गाया हुआ था मोहम्मद इरफान और अजीज कौर ने गाने की लेंथ थी तीन मिनट तीस सेकंड तीन सेकंड तो इस तरह से फिल्म को टोटल जो साउंड ट्रैक क्रिएट हुआ था आठ गानों का मिला के वो था चौतीस मिनट पैंतीस सेकंड जिसको काफी बेहतरीन वे में प्रीतम ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने इन सभी गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था जो फिल्म का जोनर था उसको बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर रहा था इस फिल्म के जो गाने उसको खरीदे हुए टी सीरीज ने तो उन्होंने टी सीरीज लेबल के नीचे गानों तीन दिसंबर दो को रिलीज किया गया था जिसको रिकॉर्ड किया गया था दो हजार बीस में और यूट्यूब कहीं दूसरे पे भी सुनने को मिल सकता है और जो राइटिंग थी, वो काफी वाली सुनने को मिलती है प्रोडक्शन की बात कर तो मार्च दो में साजिद नडिया ने अनाउंस किया हुआ था उन्होंने आर एक्स के रिमेक राइट खरीदे हुए दो हजार अट्ठारह की तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है और उसमें वो कास्ट करने वाले सिटी के बेटे टिबेंट आन और उनके अपोजिट कास्ट की जाएंगी तारा सुतरिया लीड रोल में दो आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद बताया गया कि इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे मिलन लुथरिया जिन्होंने इससे पहले कई बेहतरीन बेहतरीन फिल्मों को डरेक्ट किया हुआ है तो इस लव सागा फिल्म को भी वही डिरेक्ट करने वाले और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट के थ्रू बताया था कि एक स्टार्क लव स्टोरी होने वाली है जहाँ पे बोनो, दोनों दोनों लीड एक्टर्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स देखने को मिलते जहाँ पे तारा और आहन दोनों बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देख निकाल के दिखाने में कामयाब रहेंगे तो उनके रिगार्डिंग जो वर्कशॉप था जो रिहर्सल थी वो तभी स्टार्ट कर दी गई थी और उनके बीच की जो इमेज केमिस्ट्री है उसको क्रिएट करना स्टार्ट करवा दिया गया था और उसके बाद फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी 22 अप्रैल 2019 को सेंट्रल प्लाजा थिएटर में थिये मुंग, साउथ मुंबई में आया हुआ है वहीं से फिल्म फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी गई थी फिल्म का जो मेजर मेजोर पोर्सन वो खास करके मुंबई और मसूरी दो एरिया में शूट किया गया था फिल्म को दस मार्च दो में पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया था और रेपअप कर लिया गया था और इन सभी चीजों को आन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू उन्होंने लिखा हुआ था कि उनकी फर्स्ट फिल्म पूरी तरह से शूटिंग होकर कंप्लीट हो चुकी है और ये सभी मे मेमोरीज मेरे लिए फॉर एवर हमेशा मेरे साथ रहेगी और उसके बाद में फिल्म कई बार अटकले आ रही थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट ओटीटी पे देखने को मिलेगी लेकिन बाद में साजिद नडियादवाला ने कहा कि ये फिल्म थिएटर में आएगी आहंत शेट्टी थिएटर का हीरो है उनके लिए ये फिल्म थिएटर में ही लाई जाएगी और ठीक उसी प्रकार फिल्म को पहले चौबीस सेप्टेम्बर दो को थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन बाद में फिल्म को कोविड नाइन्टीन के चलते पूज करना पड़ा और तीन दिसंबर दो को फिल्म को फाइनली रिलीज करवा दिया गया जिसको करीबन इक्कीस सौ स्क्रीन मिली हुई थी जहां पे सोलह इंडिया में थी चार चार सौ इक्यावन स्क्रीन ओवरसीज में दी गई थी तो अच्छी खासी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था और आहन से की परफॉर्मेंसिस की काफ़ी तारीफ की गई थी फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स की भी काफ़ी तारीफ की गई थी और ऑडियंस को एक

ने स्टोरी आइडिया था वो ओरिजिनली अजय भूपति का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग थी राइटिंग डायलॉग वो सभी काम रजत अरोरा ने किया हुआ है और एडप्टेटिव जो स्क्रीन प्ले वो भी मिलन लुथरिया और रजत अरोरा दोनों ने मिल क्रिएट किया हुआ था ये फिल्म जिस फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है उस फिल्म का नाम है आर एक्स जो दो में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई थी उसके ऊपर भी मैं आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा और वो फिल्म भी आप कहाँ पे हिंदी में देख सकते हो वो भी डिटेलिंग देने वाला हूँ इससे पहले इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट एक्टर्स उनके बारे में बात कर लेते हैं तो इस फिल्म को यानी कि तड़प फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सजीत नाडियादवाला और फोक स्टार स्टूडियो ने जिन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि नाडियादवाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट और फोक स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पच्चीस करोड़ के आसपास बनाया गया था और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फोक स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको फिल्म में जिस तरह मैंने कहा कि स्टोरी अजय भूपति जो फिल्म के ओरिजिनल जो ओरिजिनल फिल्म थी उसके राइटर वही थे डायरेक्टर भी वही थे वहां से स्टोरी का आइडिया लिया हुआ है बाकी तो स्क्रीन प्ले मिलन लुथरेया और रजत अरुण नारायण मिलकर किया हुआ था और डायरेक्शन मिलन लुथरेया का देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफी की बात करें यानी कि कैमरा वर्क की बात करें तो रघुल धर्मून जिन्होंने फिल्म का कैमरा वर्क हैंडल किया हुआ था एडिटिंग की हुए राजेश जी पांडे ने जिन्होंने फिल्म को करीबन 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक की बात करें तो जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है वो जॉन स्टीवर्ट इदूरी ने क्रिएट किया हुआ था इसके अलावा जो गाने सुनने को मिलते हैं वो प्रीतम के द्वारा क्रिएट किए गए थे फिल्म में काफी सारे गाने सुनने को मिलते हैं जहाँ पे करीबन ओरिजिनल ओरिजिनल पांच छह गाने उसके बाद वर्जन और इस तरह से टोटल आठ गाने आपको सुनने को मिलते है तो उसके ऊपर मैं आपको आगे डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म को तीन दिसंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया था करीबन वहाँ पे एक मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था यानी कि 12 साल और उससे बड़े बच्चों को यह फिल्म देखनी हो तो अपने पेरेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके अलावा फिल्म ऐसा कुछ ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से कुछ वायलेशन ज्यादा हो जिसकी वजह से ये फिल्म एडल्ट कैटेगरी में गिना पाए फिल्म को वो सभी चीजों को ध्यान में रखते मिलन लुथरिया ने फिल्म को क्रिएट किया हुआ था अब बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट के ऊपर तो फिल्म का बजट करीबन 25 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ तक का कारोबार किया हुआ था इससे पहले मैं आपको लीड रोल के बारे में बता देता हूं उसके बाद बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे कास्टिंग की बात करें तो हान शेट्टी जिनकी डेब्यू फिल्म है जो सुनील सेट्टी के बेटे है वो अपनी पहली फिल्म में एक रीमेक फिल्म लेके आए हुए जो इस फिल्म में लीड रोल में थे उनके अपोजिट कास्ट की गई थी तारा सुतरिया को साथ ही में सौरभ शुक्ला मिश्रा राजेश जैसे एक्टर देखने को मिलते सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सुमित गुलाटी राज विश्वकर्मा मंगल केंकारे हासिम हैदर सौरभ चक्रवर्ती भूषण शुक्ला सोहिला कपूर गीता राम शर्मा अभिषेक शाह और मनोज कुकसाल जैसे कई एक्टर देखने को मिलेंगे जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में काम किया हुआ है अब फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके ऊपर डिटेलिंग दो तो फिल्म ने पहले दिन पे चार करोड़ और पांच लाख का इंडिया में वर्ल्ड वाइड सॉरी इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था उसके दूसरे दिन फिल्म ने चार करोड़ बारह लाख का सेकंड डे पे ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तीसरे दिन फिल्म ने पांच करोड़ पैतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से फिल्म ने टोटल डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन तेरह करोड़ बावन लाख का कलेक्ट किया हुआ था किसी भी डेब्यूडेंट हीरो के लिए ये कलेक्शन बड़े होते हैं इसी समय के दौरान इससे पहले शायद अंतिम फिल्म आई थी सलमान खान की जिसने भी कुछ इसी टाइप का कारोबार किया हुआ था तो इस हिसाब से माना जाएगा कि आहन सेट्टी की फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था वो भी कोविड पेंडेमिक चलते, 50 के चलते फिफ्टी परसेंट ऑक्युपेंसी के चलते महाराष्ट्र में काफ़ी सारी जगह पे फिफ्टी परसेंट ऑक्युपेंसी चल रही थी दूसरे थिएटर जहाँ पे लोग फिल्में देखना कम पसंद कर रहे थे थिएटर में जाके उस समय गाले में फिल्म

चौदह करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ है इंडिया में तो वो बहुत बड़ी बात है वो भी डेब्यूडेंट हीरो के लिए तीस दिसंबर दो तक फिल्म ने करीबन थर्टी करोड़ का मार्क पार कर लिया था और फिल्म ने 32 करोड़ और 4 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे वर्ल्ड वाइड की बात करें और ओवरसीज की बात करें तो फिल्म ने 2 करोड़ बयासी लाख का, का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो चौंतीस करोड़ छियासी लाख था तो इस तरह से करीबन 35 करोड़ के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारोबार किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के आई रेटिंग के बारे में बात करें तो फिल्म को आई पे छह की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जिसमें क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और आईएमडीबी पे करीबन 2500 वोट किए गए थे उसमें से छ पॉइंट एक की रेटिंग हासिल हुई है तो ये एक फिल्म अच्छी खासी फिल्म बनी हुई है ओरिजिनल फिल्म का अच्छा खासा रीमेक बोल सकते हैं जिसे देखा जा सकता है इस फिल्म को जिस फिल्म से रीमेक किया गया है उस फिल्म का नाम है आर एक्स हंड्रेड अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर तो क्रिएट की हुई थी अजय भूपति ने स्क्रीन प्ले भी उनका ही था सिर्फ फिल्म में जो डायलॉग्स थे वो तजुद्दीन सैयद के आपको सुनने को मिलेंगे उसमें भी अजय भूपति ने भी हेल्प की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अशोक रेड्डी गुमा कोंडा जिन्होंने इस फिल्म को कार्तिकेय क्रिएटिव प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में लीड रोल में आपको देखने को मिले होंगे कार्तिकेय पायल राजपूत सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरिधर ऐसे कई बेहतरीन बेहतरीन सपोर्टिंग कास्ट आपको देखने को मिली होंगी जिन्होंने फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था आर एक्स हंड्रेड फिल्म काफी बढ़िया कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक साबित हुई थी जिस तरह से फिल्म की जो थी, जिस दो करोड़ बजट के नीचे रिलीज किया गया था और फिल्म ने करीबन पच्चीस से तीस करोड़ का कारोबार किया हुआ था और इस फिल्म को आई पे सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन अट्ठाईस वोट किए गए थे इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आर एक्स हंड्रेड फिल्म और जिस तरह से अभी जो फिल्म आई हुई है तड़प उसकी कहानी लगभग लगभग सेम है सिर्फ नेटिविटी के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं वहीं पे आर एक्स हंड्रेड एक रूरल विलेज के ऊपर सेट की गई कहानी है जहाँ पे गोदावरी एरिया में फिल्म की कहानी सेट की गई थी जहा पे शिवा जिसका रोल प्ले करे कार्तिक केज रगेड इंसान है जो इंदू के प्यार में पड़ जाता है जिसका रोल प्ले करे है पायल राजपूत और उन दोनों के बीच में काफी रोमांस और ये सभी चीजें दिखाई जाती है एक दूसरे के साथ में क्लोज आ जाते हैं लेकिन उनका जो अफेयर है वो को पता चल जाता है उसके बाद दोनों कपल सेपरेट हो जाते वो कुछ ट्विस्ट की वजह से सेपरेट होते कुछ ऐसी चीज़ें होती उसकी वजह से वो दोनों सेपरेट होते तो वो ट्विस्ट क्या है वो सभी चीज़ें क्या है और कपल इन दोनों दोनों ने मिलकर किस तरह से इस ट्री की सिचुएसन को हैंडल किया हुआ है फिल्म के एंड में क्या होता है यही सब फिल्म की एग्जैक्ट कहानी बनाती है जहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को आपके सामने नहीं रखा हुआ है क्योंकि फिल्म के देखते समय आपका वो मज़ा किरकिरा हो सकता है जिस वजह से मैंने स्पॉइलर फिल्म के कहानी के थ्रू नहीं दिए हुए और इसी की कहानी को तड़प में भी दिखाया हुआ है थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा के हिसाब से बाकी सभी चीजें सेम है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स जैसे कि मैंने बताया कि अशोक रेड्डी कुमाकोडा है जिन्होंने कार्तिक के क्रिएटिव वर्क्स के नीचे करीबन दो करोड़ के बजट के नीचे फिल्म को बना लिया था म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर समरण का सुनने को मिलता है सॉन्ग दिए हुए चेतन भारद्वाज ने सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो राम रेड्डी के देखने को मिलती है एडिटिंग की हुई प्रवीण केल ने और लीड कास्ट में आपको कार्तिक के शिवा के रोल में दिखाई देते पायल राजपूत हिंदू के रोल में दिखाई देती है वहीं पर राव रमेश को विश्व धम का रोल दिया गया है राम की

और फिल्म का ये साउंड ट्रैक सक्सेसफुल साबित हुआ था इसके अलावा फिल्म में काफी बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेज देखने को मिले थे फिल्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ था जो ट्विस्ट आता है वो सभी चीजें फिल्म को ज्यादा पसंद आई थी सभी लोगों को वो सभी चीजें पसंद आई थी सेकंड हाफ पूरी तरह से ऑडियंस को सरप्राइज जिस तरह से करता है वो सभी चीजें बेहतरीन थी वहीं पे सीनियर एक्टर राम की जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर ने इंप्रेसिव क्रिशियल रोल प्ले किए हुए थे जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और दमदार और डेप्थ वाली नजर आ रही थी इसके

वे में वर्क कर जाते हैं फिल्म का लेटर आप, आ, आपको जो देखने को मिलता है साथ फिल्म काफी वे में एक बेहतरीन देख क्रिएट करते हुए नजर आते हैं इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इतना बेहतरीन वे में क्रिएट हुआ था जो फिल्म के सीन को और बेहतरीन वे में एलिवेट करने में कामयाब रहते है इससे फिल्म के इमोशंस को और बेहतरीन वे में हमारे सामने करने में कामयाब रहे थे। फिल्म का कैमरा वर्क इतना शानदार देखने को मिलता है जिस वजह से सभी चीजों जो गांव का लोकेशन है जो विलेज का लोकेशन जिस तरह से सभी एक्टर के कैरेक्टर को सोकेस किया हुआ है उन सभी चीजों के लिए कैमरा मैन की तारीफ करनी पड़ेगी इस काफी शानदार वे ने वे में उन्होंने अपना काम दिखाया हुआ है इसके अलावा फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था एक लो बजट फिल्म के हिसाब से फिल्म को काफी बेहतरीन वे में सेट किया हुआ था जिसकी वजह से फिल्म की जो ऑथेंटिसिटी है वो काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे नजर आ रही थी डायलॉग्स की बात करें तो काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए थे कुछ बेहतरीन और मीनिंगफुल डायलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं साथ ही में राव रमेश के लिए जो डायलॉग्स लिखे हुए काफी अमेजिंग थे उसकी वजह से वो फिल्म को और डेप्थ देने में कामयाब रहे इसके अलावा जय भूपति जिन्होंने फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने कहानी को नेरेट किया हुआ था जिस तरह से स्टोरी आइडिया था उनका और एक इम्प्रेसिव ट्विस्ट देखने को मिलता है सेकंड पार्ट में वो सभी चीजें फिल्म की काफी बढ़िया थी साथ ही में जिस तरह से पूरी फिल्म को उन्होंने एंगेजिंग मैनर में नेरेट किया हुआ है वो सभी चीजें आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगी फिल्म के कई सारी चीजें ऐसी थी वो आपको आसानी से कनेक्ट कर जाती है जिस वजह से ये अनकन्वेंसनल लव स्टोरी एक ट्विस्ट के साथ नेरेट की गई है, उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में पेश किया हुआ है वो सभी चीजें आपको जरूर पसंद आती है लीड एक्टर्स की जो डेप्थ है साथ ही में जो वो क्रिएट करने वाली परफॉर्मेंसेस है वो फिल्म का बेसिक एसेट एसेट है साथ ही में फिल्म का जो सेटअप किया हुआ था जो स्टोरी आइडिया था जो कॉन्सेप्ट था जो ट्विस्ट था वो भी चीजें फिल्म को जरूर आपको पसंद आएगी तो इस तरह से फिल्म की कहानी फिल्म की जो डायरेक्शन है कमान है फिल्म का जो गाने है उन सभी चीजों के ऊपर काफी बेहतरीन वे में काम किया गया था जिस वजह से ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी सा, तो इस फिल्म को भी बाद में हिंदी डब किया गया था जिसके हिंदी राइट्स खरीदे हुए थे एडवाइज मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज ने जिन्होंने काफी अच्छे खासे प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और फिल्म को काफी बेहतरीन वे में, में उन्होंने डब करवाया हुआ था तो आर एक्स फिल्म को अगर आप हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाम इंडिया मूवीज और एडवाइज मीडिया डिजिटल पर अवेलेबल किया हुआ है जहां पे आप बिल्कुल फ्री में ये फिल्म देख सकते हो उसके लिए एक रुपया भी खर्चा नहीं करने पड़ेगा

प्ले किया हुआ है मंगल केनकारे जिन्होंने दादी का किरदार प्ले किया हुआ है हसीम हैदर जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है सौरभ चक्रवर्ती जिन्होंने गोतली का रोल प्ले किया हुआ है ब्रिज भूषण शुक्ला जिन्होंने सत्यवान भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ है सोहिला कपूर जिन्होंने कैफे लेडी वाला किरदार प्ले किया हुआ है गीता राम शर्मा जो जिया राम के रोल में दिखाई देते हैं अभिषेक शाह जिन्होंने अनुराग मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने लल्लन मोहित्रे का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से सभी एक्टर ने इन सभी कैरेक्टर को प्ले किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की कहानी है वो आर एक्स से पूरी तरह से सेम टू सेम वे में अडपट की हुए इस कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कहानी को मसूरी एरिया में सेट किया हुआ है जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जो इसाना है वो अपने फादर का ओरिजिनल बेटा नहीं है वो एक एडोप्टिव सन है उसके रिगार्डिंग फिल्म की कहानी सेट की हुई है बाकी सभी चीजें जो ओरिजिनल वर्जन में देखने को मिलती है सेम उसी तरह से फिल्म में दिखाई हुई है तो राइटर रजत अरोरा ने अच्छी तरह से फिल्म की कहानी को एडअप्ट किया हुआ था जो स्टोरी आइडिया था उसको बेहतरीन वे में हिंदी वर्जन में उन्होंने सेटअप किया हुआ था जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है वो सेम वे में अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये सेम वे में आपको उसी टाइप का इम्पिक डालता हुआ नजर आएगा फिल्म को अच्छा खासा वे में रीमेक किया गया है जहाँ पर डायरेक्टर रामिलन लुसरिया की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है वो काबिल तारीफ़ है जिस तरह से उन्होंने एक रीमेक फिल्म को उठाया और उस फिल्म को उस वही मैजिक के साथ हमारे सामने पेश करने में वो कामयाब रहे उन्होंने जो फिल्म का टेग लाइन है इनक्रेडिबल लव स्टोरी वो सभी चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने हार्ड हिटिंग वे में हमारे सामने पेश की हुई है डायरेक्टर जिस तरह से फर्स्ट हाफ को अच्छी खासे लाइट मोमेंट के साथ हैंडल किया हुआ था जोरोमेंस दिखाया हुआ था उसके बाद में सेकंड हाफ में जो एक ट्रेजेडी देखने को मिलती है ट्विस्ट देखने को मिलता है जो इमोशंस देखने को मिलता है उन सभी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था वो सभी चीजें बेहतरीन वे में हमारे साथ कनेक्ट होती है और हमें अच्छी तरह से हार्ड हिटिंग वे में कनेक्ट करके जाती है फिल्म का ड्रामा पा बेहतरीन वे में एंगेजिंग रखता है आहन शेट्टी और तारा सूतरिया अपने रोल में बढ़िया थे खास करके आहन शेट्टी जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार निभाया हुआ था वो काबिले तारीफ है आहन शेट्टी अब एज ए डेब्यू काफी बढ़िया काम करते हुए नजर आते है अपने किरदार में वो काफी बेहतरीन थे जिस तरह से उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी की हुई है जो फेशियल एक्सप्रेशन थे जिस तरह से उनके साथ जो ट्रे ट्रेजिडी होती है उसके बाद उनका जो काम देखने को मिलता है वो सभी चीजें वो बढ़िया

जो किरदार थे उसको जिस तरह से स्टोरी थी उसको जिस तरह से, से पेश किया हुआ था कैमरा वर्क ने अच्छी तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके पेश किया हुआ था एडिटिंग अच्छी देखने को मिलती है राजेश पांडे ने अच्छी तरह से फिल्म को 126 मिनट के रन टाइम के साथ काफ़ी सारी चीजों को फिल्म के दो मिनट दो घंटे के करीबन दो घंटे के रन टाइम में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखा दिया जो देखने में आपको जरूर मजा आएगा म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था जिस तरह से फिल्म की कहानी चलती रहती है उसी तरह के अपडाउन वाले बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को थे सॉन्ग्स प्रीतम ने अच्छी तरह से क्रिएट किए गए थे जहां पे काफी बढ़िया बढ़िया सॉन्ग सुनने को मिलते जहाँ पे तुमसे भी ज्यादा तेरे सिवा जग में वही सब चीजों को वही सब गानों को अच्छी तरह से फिल्म में डाला हुआ है गाने की की ट्रैक लिस्टिंग बात करें तो तुमसे भी ज्यादा वाला गाना है वो अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था जिसकी लेंथ थी पांच मिनट उन्नीस सेकंड दूसरा गाना था तेरा सिवा जग में उसके सिंगर थे शिल्पा राव दर्शन रावल ससवंत सिंह और चरण गाने की लेंथ थी तीन मिनट छब्बीस सेकंड तीसरा गाना तू मेरा हो गया है जिसको गाया था भी नोट गाने की पांच मिनट नौ सेकंड चौथा गाना होए इसकना जिसके भी दिनो जेम्स और उसको दर्शन रावल ने ही गाया हुआ था और गाने की लेंथ थी तीन मिनट पैतीस सेकंड छठा गाना ए दिला मर्जन स्नेहा कक्कर और गाने की लेंथ चार मिनट चौदह सेकंड सातवा गाना तुमरा हो गया है जो एनकोर वर्जन था उसको गाया हुआ था जावेद अली ने और गाने की लेंथ थी पांच मिनट दस सेकंड आठवा गाना तेरा सिवा जग में जिसका रिप्राइज वर्जन गाया हुआ था मोहम्मद इरफान और अजीज कौर ने गाने की लेंथ थी तीन मिनट तीस सेकंड तीन सेकंड तो इस तरह से फिल्म को टोटल जो साउंड ट्रैक क्रिएट हुआ था आठ गानों का मिला के वो था चौतीस मिनट पैंतीस सेकंड जिसको काफी बेहतरीन वे में प्रीतम ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने इन सभी गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था जो फिल्म का जोनर था उसको बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर रहा था इस फिल्म फिल्म के जो गाने उसको खरीदे हुए टी सीरीज ने तो उन्होंने टी सीरीज लेबल के नीचे गानों को तीन दिसंबर दो को रिलीज किया गया था जिसको रिकॉर्ड किया गया था दो में और ये ऑफिशियल ऑडियो आप यूट्यूब के अलावा कहीं दूसरे कहींफॉर्म पे भी सुनने को मिल सकता है और इन सभी गानों के जो लिरिक्स थे जो राइटिंग थी वो सभी की हुई है इसमिल ने जो राइटिंग थी वो काफी मीनिंगफुल वाली सुनने को मिलती है प्रोडक्शन की बात कर तो मार्च 2019 में साजिद नडियाद वाला ने अनाउंस किया हुआ था कि उन्होंने आर एक्स हंड्रेड के रीमेक राइट्स खरीदे हुए जो 2018 की तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है और उसमें वो कास्ट करने वाले सुनील शेट्टी के बेटे डिबिडेंट आन शेट्टी को और उनके अपोजिट कास्ट की जाएंगी तारा सुतरिया एज अ लीड रोल में दो आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद बताया गया कि इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे मिलन लूथरिया जिन्होंने इससे पहले कई बेहतरीन बेहतरीन फिल्मों को डिरेक्ट किया हुआ है तो इस लव सागा फिल्म को भी वही डिरेक्ट करने वाले और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट के थ्रू बताया था कि एक स्टार्क लव स्टोरी होने वाली है जहाँ पे बोनो, दोनों लीड एक्टर्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पे तारा और आहन दोनों बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देख निकाल के दिखाने में कामयाब रहेंगे तो उनके रिगार्डिंग जो वर्कशॉप था जो रिहर्सल थी वो तभी स्टार्ट कर दी गई थी और उनके बीच की जो इमेज केमिस्ट्री है उसको क्रिएट करना स्टार्ट करवा दिया गया था और और उसके बाद फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, मुंग, है। मेजोर मेजर पोर्सन वो खास करके मुंबई और मसूरी दो एरिया में शूट किया गया था फिल्म को दस मार्च दो में पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया था और रेपअप कर लिया गया था और इन सभी चीजों को आन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू उन्होंने लिखा हुआ था कि उनकी फर्स्ट फिल्म पूरी तरह से शूटिंग होके कंप्लीट हो चुकी है और ये सभी मे मेमोरीज मेरे लिए फोर एवर हमेशा मेरे साथ रहेगी और उसके बाद में फिल्म कई बार अटकले आ रही थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट ओटीटी पे देखने को मिलेगी लेकिन बाद में साजिद नडियादवाला ने कहा कि ये फिल्म थिएटर में आएगी आहन सेट्टी थिएटर का ही हीरो है उनके लिए ये फिल्म थिएटर में ही लाई जाएगी और ठीक उसी प्रकार फिल्म को पहले चौबीस सेप्टेम्बर दो को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में फिल्म को कोविड नाइन्टीन के चलते पूज करना पड़ा और तीन दिसंबर दो को फिल्म को फाइनली रिलीज करवा दिया गया जिसको करीबन इक्कीस सौ स्क्रीन्स मिली हुई थी जहाँ पे सोलह इंडिया में थी चार एक चार सौ इक्यावन से स्क्रीन्स ओवरसीज में दी गई थी तो अच्छी खासी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था और आहन से की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई थी फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स की भी काफ़ी तारीफ की गई थी और ऑडियंस को एक फिल्म काफी पसंद आई थी जिस वजह से 25 से 30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 35 करोड़ तक का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इसके अलावा फिल्म के जो ओटी टी है वो खरीदे हुए थे Amazon Prime ने जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली उनकी वेबसाइट तड़प के ही नाम से अवेलेबल किया हुआ है जहां पर जाके आप इंजॉय कर सकते हो उन्होंने इस फिल्म के साथ इंग्लिश सब भी अटैच किए हुए हैं अगर आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को देखना चाहते हो तो अगर आपको ये फिल्म फ्री में देखने तो तड़प के नाम से अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देख तो सकते हो लेकिन आप

ने स्टोरी आइडिया था वो ओरिजिनली अजय भूपति का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग थी राइटिंग डायलॉग वो सभी काम रजत अरोरा ने किया हुआ है और एडेप्टेटिव जो स्क्रीन प्ले वो भी मिलन लुथरिया और रजत अरोरा दोनों ने मिलकर क्रिएट किया हुआ था ये फिल्म जिस फिल्म का ऑफिशियल रिमेक है उस फिल्म का नाम है आर एक्स जो दो में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई थी उसके ऊपर भी मैं आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा और वो फिल्म भी आप कहाँ पे हिंदी में देख सकते हो वो भी डिटेलिंग देने वाला हूँ इससे पहले इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट एक्टर्स उनके बारे में बात कर लेते हैं तो इस फिल्म को यानी कि तड़प फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था सजीत नडियादवाला और फोक स्टार स्टूडियो ने जिन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि नाडियाद्वाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट और स्टार स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पच्चीस करोड़ के आसपास बनाया गया था और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फोक स्टार स्टूडियो ने इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको फिल्म में जिस तरह से मैंने कहा कि स्टोरी अजय भूपति जो फिल्म के ओरिजिनल जो ओरिजिनल फिल्म थी उसके राइटर वही थे डायरेक्टर भी वही थे वहां से स्टोरी का आइडिया लिया हुआ है बाकी तो स्क्रीन प्ले मिलन लुथरे और रजत अरुण नारायण मिलकर किया हुआ था और डायरेक्शन मिलन लुथरे का देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफी की बात करें यानी कि कैमरा वर्क की बात करें तो रघुल धर्मून जिन्होंने फिल्म का कैमरा वर्क हैंडल किया हुआ था एडिटिंग की हुए राजेश जी पांडे ने जिन्होंने फिल्म को करीबन 126 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक की बात करें तो जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है वो जॉन स्टीवर्ट इदूरी ने क्रिएट किया हुआ था इसके अलावा जो गाने सुनने को मिलते वो प्रीतम के द्वारा क्रिएट किए गए थे फिल्म में काफ़ी सारे गाने सुनने को मिलते हैं जहाँ पे करीबन ओरिजिनल ओरिजिनल पाँच छः गाने उसके बाद रिपराइज वर्जन और इस तरह से टोटल आठ गाने आपको सुनने को मिलते हैं तो उसके ऊपर मैं आपको आगे डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा फिल्म को तीन दिसंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया था करीब वहाँ पर एक सौ छब्बीस मिनट के रन टाइम के साथ इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था यानी कि 12 साल और उससे बड़े बच्चों को ये फिल्म देखनी हो तो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके अलावा फिल्म ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से कुछ वायोलेशन ज़्यादा हो जिसकी वजह से ये फिल्म एडल्ट कैटेगरी में गिना पाए फिल्म को वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते मिलन लुथरिया ने फिल्म को क्रिएट किया हुआ था अब बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट के ऊपर तो फिल्म का बजट करीबन पच्चीस करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर पैंतीस करोड़ तक का कारोबार किया हुआ था इससे पहले मैं आपको लीड रोल के बारे में बता देता हूँ उसके बाद बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे कास्टिंग की बात तो हान शेट्टी डेब्यू फिल्म है जो सुनील शेट्टी के बेटे है वो अपनी पहली फिल्म में एक रीमेक फिल्म लेके आए हुए जो इस फिल्म में लीड रोल में थे उनके अपोजिट कास्ट की गई थी तारा सुतरिया को साथ ही में सौरभ शुक्ला कुमुद मिश्रा राजेश खेरा जैसे एक्टर देखने को मिलते सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो सुमित गुलाटी राज विश्वकर्मा मंगल केंकारे हसीम हेदर, सौरव चक्रवर्ती ब्रिज भूषण शुक्ला सोहिला कपूर गीता राम शर्मा अभिषेक शाह और मनोज कुकसाल जैसे कई एक्टर देखने को मिलेंगे जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में काम किया हुआ है अब फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके ऊपर डिटेलिंग दो तो फिल्म ने पहले दिन पे चार करोड़ और पांच लाख का इंडिया में वर्ल्ड वाइड सॉरी इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था उसके दूसरे दिन फिल्म ने चार करोड़ बारह लाख का सेकंड डे पे ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तीसरे दिन फिल्म ने पांच करोड़ पैतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से फिल्म ने टोटल डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन तेरह करोड़ बावन लाख का कलेक्ट किया हुआ था किसी भी डेब्यूडेंट हीरो के लिए ये कलेक्शन बड़े होते हैं इसी समय के दौरान इससे पहले शायद अंतिम फिल्म आई थी सलमान खान की जिसने भी कुछ इसी टाइप का कारोबार किया हुआ था तो इस हिसाब से माना जाएगा कि आहन सेट्टी की फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था वो भी कोविड पेंडेमिक चलते, 50 के चलते फिफ्टी ऑक्यूपेंसी के चलते महाराष्ट्र में काफ़ी सारी जगह पर फिफ्टी ऑक्यूपेंसी चल रही थी दूसरे थिएटर जहाँ पर लोग फिल्में देखना कम पसंद कर रहे थे थिएटर में जाके उस समय गाले में फिल्म ने चौदह करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ इंडिया में तो वो बहुत बड़ी बात है वो भी डेबुडेंट हीरो के लिए 30 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने करीबन 30 करोड़ का मार्क पार कर लिया था और फिल्म ने 32 करोड़ और 4 लाख का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था वहीं पे वर्ल्ड वाइड की बात करें ओवरसीज की बात करें तो फिल्म ने 2 करोड़ बयासी लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन निकल के आया हुआ था वो चौंतीस करोड़ छियासी लाख था तो इस तरह से करीबन पैतीस करोड़ के आसपास फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कारोबार किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फिल्म को आईएमडीबी पे छह की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जिसमें क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और आईएमडीबी पे करीबन 2500 वोट किए गए थे उसमें से 6.1 एक की रेटिंग हासिल हुई है तो ये एक फिल्म अच्छी खासी फिल्म बनी हुई है ओरिजिनल फिल्म का अच्छा खासा रिमेक बोल सकते है जिसे देखा जा सकता है इस फिल्म को जिस फिल्म से रीमेक किया गया है उस फिल्म का नाम है आर एक्स अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर तो क्रिएट की हुई थी अजय भूपति ने स्क्रीन प्ले भी उनका ही था सिर्फ फिल्म में जो डायलॉग्स थे वो तजुद्दीन सैद के आपको सुनने को मिलेंगे उसमें भी अजय भूपति ने भी हेल्प की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अशोक रेड्डी गुमा कोंडा जिन्होंने इस फिल्म को कार्तिकेय क्रिएटिव वर्क प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में लीड रोल में आपको देखने को मिले होंगे कार्तिकेय पायल राजपूत सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राव रमेश राम की महेश लक्ष्मण मिसाला और गिरिधर ऐसे कई बेहतरीन बेहतरीन सपोर्टिंग कास्ट आपको देखने को मिली होंगी जिन्होंने फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ था आर एक्स हंड्रेड फिल्म काफी बढ़िया कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक साबित हुई थी जिस तरह से फिल्म की जो थी, जिस दो करोड़ बजट के नीचे रिलीज किया गया था और फिल्म ने करीबन पच्चीस से तीस करोड़ का कारोबार किया हुआ था और इस फिल्म को आई पे सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन अट्ठाईस वोट किए गए थे इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करें तो आर एक्स हंड्रेड फिल्म और जिस तरह से अभी जो फिल्म आई हुई है तड़प उसकी कहानी लगभग लगभग सेम है सिर्फ नेटिविटी के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं वहीं है वही पेड्रेड एक रूरल विलेज के ऊपर सेट की गई कहानी है जहाँ पे गोदावरी एरिया में फिल्म की कहानी सेट की गई थी जहाँ पे शिवा जिसका रोल प्ले करे कार्तिक जो एक रगेड हेड इंसान है जो इंदू के प्यार में पड़ जाता है जिसका रोल प्ले करे पायल राजपूत और उन दोनों के बीच में काफी रोमांस और ये सभी चीजें दिखाई जाती है एक दूसरे के साथ में क्लोज आ जाते हैं लेकिन उनका जो अफेयर है वो बड़ो को पता चल जाता है उसके बाद दोनों कपल सेपरेट हो जाते वो कुछ ट्विस्ट की वजह से सेपरेट होते कुछ ऐसी चीज़ें होती उसकी वजह से वो दोनों सेपरेट होते तो वो ट्विस्ट क्या है वो सभी चीज़ें क्या है और कपल इन दोनों दोनों ने मिलकर किस तरह से इस ट्री की सिचुएसन को हैंडल किया हुआ है फिल्म के एंड में क्या होता है यही सब फिल्म की एग्जैक्ट कहानी बनाती है जहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को आपके सामने नहीं रखा हुआ है क्योंकि फिल्म की देखते समय आपका वो मज़ा किरकिरा हो सकता है जिस वजह से मैंने स्पॉयलर फिल्म के कहानी के थ्रू नहीं दिए हुए और इसी की कहानी को तड़प में भी दिखाया हुआ है थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा के हिसाब से बाकी सभी चीजें सेम है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स जैसे कि मैंने बताया कि अशोक रेड्डी कुमाकोडा है जिन्होंने कार्तिक के क्रिएटिव वर्क्स के नीचे करीबन दो करोड़ के बजट के नीचे फिल्म को को बना लिया था म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर का सुनने को मिलता है सॉन्ग हुए चेतन भारद्वाज ने सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो राम रेड्डी के देखने को मिलती है एडिटिंग की हुई प्रवीण केल ने और लीड कास्ट में आपको कार्तिक के शिवा के रोल में दिखाई देते पायल राजपूत हिंदू के रोल में दिखाई देती है वहीं पे राव रमेश को विश्वधम का रोल दिया गया है राम

और फिल्म का ये साउंड ट्रैक सक्सेसफुल साबित हुआ था इसके अलावा फिल्म में काफी बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेज देखने को मिले थे फिल्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ था जो ट्विस्ट आता है वो सभी चीजें फिल्म को ज्यादा पसंद आई थी सभी लोगों को वो सभी चीजें पसंद आई थी सेकंड हाफ पूरी तरह से ऑडियंस को सरप्राइज जिस तरह से करता है वो सभी चीजें बेहतरीन थी वहीं पे सीनियर एक्टर राम की जैसे कई बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर ने इंप्रेसिव क्रूसल रोल प्ले किए हुए थे जिसकी वजह से फिल्म थोड़ी और दमदार और डेप्थ वाली नजर आ रही थी इसके

करने में कामयाब रहे थे फिल्म का कैमरा वक्त इस इतना शानदार देखने को मिलता है जिस वजह से सभी चीजों जो गांव का लोकेशन है जो विलेज का लोकेशन जिस तरह से सभी एक्टर के कैरेक्टर को सोकेस किया हुआ है उन सभी चीजों के लिए कैमरा मैन की तारीफ करनी पड़ेगी इस काफी शानदार वे ने वे में उन्होंने अपना काम दिखाया हुआ है इसके अलावा फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था एक लो बजट फिल्म के हिसाब से फिल्म को काफी बेहतरीन वे में सेट किया हुआ था जिसकी वजह से फिल्म की जो ऑथेंटिसिटी है वो काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे नजर आ रही थी डायलॉग्स की बात करें तो काफी बढ़िया तरीके से लिखे गए थे कुछ बेहतरीन और मीनिंगफुल डायलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं साथ ही में राव रमेश के लिए जो डायलॉग्स लिखे हुए काफी अमेजिंग थे उसकी वजह से वो फिल्म को और में कामयाब रहे इसके अलावा जय भूपति जिन्होंने फिल्म के साथ काफी बढ़िया काम किया, हुआ है। जिस उन्होंने को नेरेट किया हुआ था सभी चीजें फिल्म की जिस तरह से पूरी फिल्म को उन्होंने में नेरेट किया हुआ है वो सभी चीजें आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगी फिल्म के कई सारी चीजें ऐसी थी वो आपको आसानी से कनेक्ट कर जाती जिस वजह से ये अनकनवेंशनल लव स्टोरी एक ट्विस्ट के साथ नेरेट की

जैसे ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी सा, तो इस फिल्म को भी बाद में हिंदी डब किया गया था जिसके हिंदी राइट्स खरीदे हुए थे एडवाइज़ मीडिया डिजिटल और वाम इंडिया मूवीज़ ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और फिल्म को काफ़ी बेहतरीन वे में, में उन्होंने डब करवाया हुआ था तो आर एक्स हंड्रेड फिल्म को अगर आप हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हो तो उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि वाम इंडिया मूवीज़ और एडवाइज़ मीडिया डिजिटल पर अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में ये फिल्म देख सकते हो उसके लिए एक रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा

के नाम से वीडियो पे देखने को मिलेगी अगर आपके पास अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो अवेलेबल किया हुए अब तड़प फिल्म के रिगार्डिंग और इंटरेस्टिंग बातें करे तो तड़प फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बता देता हूँ कौन सा कैरेक्टर कौन सा एक्टर प्ले कर रहा है आहन से जिन्होंने ईशाना जवेरी वाला किरदार प्ले किया हुआ है वहीं पे

प्ले किया हुआ है मंगल केनकारे जिन्होंने दादी का किरदार प्ले किया हुआ है हसीम हैदर जिन्होंने काशी का रोल प्ले किया हुआ है सौरभ चक्रवर्ती जिन्होंने गोतली का रोल प्ले किया हुआ है ब्रिज भूषण शुक्ला जिन्होंने सत्यवान भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ है सोहिला कपूर जिन्होंने कैफे लेडी वाला किरदार प्ले किया हुआ है गीता राम शर्मा जो जिया राम के रोल में दिखाई देते हैं अभिषेक शाह जिन्होंने अनुराग मेहता का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे मनोज कुकसाल जिन्होंने लल्लन मोहित्रे का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से सभी एक्टर ने इन सभी कैरेक्टर को प्ले किया हुआ था जहाँ पे फिल्म की कहानी है वो आर एक्स हंड्रेड से पूरी तरह से सेम टू सेम वे में अडपट की हुए हैं कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कहानी को मसूरी एरिया में सेट किया हुआ है जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सेट किया हुआ है जो इशाना है वो अपने फादर का ओरिजिनल बेटा नहीं है वो एक एडोप्टिव सन है उसके रिगार्डिंग फिल्म की कहानी सेट की हुई है बाकी सभी चीजें जो ओरिजिनल वर्जन में देखने को मिलती है सेम उसी तरह से फिल्म में दिखाई हुई है तो राइटर रजत अरोरा ने अच्छी तरह से फिल्म की कहानी को एडप्ट किया हुआ था जो स्टोरी आइडिया था उसको बेहतरीन वे में हिंदी वर्जन में उन्होंने सेटअप किया हुआ था जो डायलॉग सुनने को मिलते है जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है वो सेम वे में अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हुआ है तो ये सेम वे में आपको उसी टाइप का इम्पिक डालता हुआ नजर आएगा फिल्म को अच्छा खासा वे में रीमेक किया गया है जहाँ पर डायरेक्टर रामिलन लुसरिया की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है वो काबिले तारीफ है जिस तरह से उन्होंने एक रीमेक फिल्म को उठाया

और हमें अच्छी तरह से हार्ड हिटिंग वे में कनेक्ट करके जाती है फिल्म का ड्रामा पा बेहतरीन वे में एंगेजिंग लगता है आहन शेट्टी और तारा सुतरिया अपने रोल में बढ़िया थे खास करके आहन शेट्टी जिस तरह से उन्होंने अपना किरदार निभाया हुआ था वो काबिल तारीफ है आहन शेट्टी अब एज अ डेब्यू डांस काफी बढ़िया काम करते हुए नजर आते हैं अपने किरदार में वो काफी बेहतरीन थे जिस तरह से उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी की हुई है जो फेशियल एक्सप्रेशन थे जिस तरह से उनके साथ जो ट्रेजेडी होती है उसके बाद उनका जो काम देखने को मिलता है वो सभी चीजें वो बढ़िया थी। खास करके इमोशनल सीन्स में काफी बेहतरीन नजर आ रहे थी। तारा सुतरे जो आईस केंडी वाले थे है जो पायल राजपूत ने निभाया हुआ था वो सेम इंटेंसिटी के साथ तारा सूतर उतने बेहतरीन वे में नहीं निभा पाते लेकिन फिर भी जितना भी उनसे हो सका वो उतना बेहतरीन वे में उन्होंने निभाने की कोशिश की हुई है बाकी सौरभ शुक्ला

जो किरदार थे उसको जिस तरह से स्टोरी थी उसको जिस तरह से, से पेश किया हुआ था कैमरा वर्क ने अच्छी तरह से सभी चीज़ों को शोकेस करके पेश किया हुआ था एडिटिंग अच्छी देखने को मिलती है राजेश पांडे ने अच्छी तरह से फिल्म को एक मिनट के रन टाइम के साथ काफ़ी सारी चीज़ों को फिल्म के दो मिनट दो घंटे के करीबन दो घंटे के रन टाइम में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखा दिया जो देखने में आपको ज़रूर मज़ा आएगा म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था जिस तरह से फिल्म की कहानी चलती रहती है उसी तरह के अप डाउन वाले बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिलता थे सॉन्ग्स प्रीतम ने अच्छी तरह से क्रिएट किए गए थे जहाँ पे काफी पे बड़े, बड़े को पे से भी ज्यादा तो वाला गाना है वो अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था जिसकी लेंथ थी पांच मिनट उन्नीस सेकंड दूसरा गाना था तेरा सिवा जग में उसके सिंगर थे शिल्पा राव दर्शन रावल ससवंत सिंह और चरण गाने की लेंथ थी तीन मिनट छब्बीस सेकंड तीसरा गाना तुम्हे हो गया है जिसको गाया हुआ जो भी नोट्याल गाने की लेंथ थी पांच मिनट नौ सेकंड चौथा गाना होए होना जिसके सिंग डिनो जेम्स और गाने की लेंथ चार मिनट उनचालीस सेकंड पांचवा गाना तेरा सिवा जग में जो कैफे एडिट वाला था उसको दर्शन रावल ने ही गाया हुआ था और गाने की लेंथ थी तीन मिनट पैतीस सेकंड छठा गाना ये दिला मर्जन स्नेहा कक्कर और गाने की लेंथ चार मिनट चौदह सेकंड सातवा गाना तू मेरा हो गया है जो एनकोर वर्जन था उसको गाया हुआ हुआ था जावेद अली ने और गाने की लेंथ थी पांच मिनट दस सेकंड आठवा गाना तेरा सिवा जग में जिसका रिप्राइज वर्जन गाया हुआ था मोहम्मद इरफान और अजीज कौर ने गाने की लेंथ थी तीन मिनट तीस सेकंड तीन सेकंड तो इस तरह से फिल्म को टोटल जो साउंड ट्रैक क्रिएट हुआ था आठ गानों का मिला के वो था चौंतीस मिनट पैंतीस सेकंड जिसको काफी बेहतरीन वे में प्रीतम ने क्रिएट किया हुआ था उन्होंने इन सभी गानों को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था जो फिल्म का जोनर था उसको बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर रहा था इस फिल्म के जो गाने उसको खरीदे हुए टी सीरीज ने तो उन्होंने टी सीरीज लेबल के नीचे गानों को तीन दिसंबर दो को रिलीज किया गया था जिसको रिकॉर्ड किया गया था दो में और ये ऑफिशियल ऑडियो यूट्यूब कहीं पर भी सुनने को मिल सकता है और इन सभी गानों के जो लिरिक्स थे जो राइटिंग थी वो सभी की हुई है कामिल ने जो राइटिंग थी वो काफी मीनिंगफुल वाली सुनने को मिलती है प्रोडक्शन की बात कर तो मार्च 2019 में साजिद नडियाद वाला ने अनाउंस किया हुआ था कि उन्होंने आर एक्स हंड्रेड के रिमेक राइट्स खरीदे हुए जो 2018 की फिल्में और उसमें वो कास्ट करने वाले सुनील शेट्टी के बेटे डिबिडेंट आहान शेट्टी को और उनके अपोजिट कास्ट की जाएंगी तारा सुतरिया एज अ लीड रोल में दो आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद बताया गया कि इस फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे मिलन लुथरिया जिन्होंने इससे पहले कई बेहतरीन बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है तो इस लव सागा फिल्म को भी वही डायरेक्ट करने वाले और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट के थ्रू बताया था कि एक स्टार्क लव स्टोरी होने वाली है जहाँ पे दोनों दोनों लीड एक्टर्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे तारा और आहन दोनों बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देख निकाल के दिखाने में कामयाब रहेंगे तो उनके रिगार्डिंग जो वर्कशॉप था जो रिहर्सल थी वो तभी स्टार्ट कर दी गई थी और उनके बीच की जो इमेंस केमिस्ट्री है उसको क्रिएट करना स्टार्ट करवा दिया गया था और उसके बाद फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो स्टार्ट की गई थी 22 अप्रैल 2019 को सेंट्रल प्लाजा थिएटर में जो मुंग, साउथ मुंबई में आया हुआ है वहीं से फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की गई थी फिल्म का जो मेजर मेजर पोर्सन है वो खास करके मुंबई और मसूरी दो एरिया में शूट किया गया था फिल्म को दस मार्च दो में पूरी तरह से कम्प्लीट करवा लिया था और रेपअप कर लिया गया था और इन सभी चीजों को आन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू उन्होंने लिखा हुआ था कि उनकी फर्स्ट फिल्म पूरी तरह से शूटिंग होकर कंप्लीट हो चुकी है और ये सभी मे मेमोरीज मेरे लिए फॉर हमेशा मेरे साथ रहेगी और उसके बाद में फिल्म कई बार अटकले आ रही थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट ओ पे देखने को मिलेगी लेकिन बाद में साजिद नडियादवाला ने कहा कि ये फिल्म थिएटर में आएगी अहन शेट्टी थिएटर का ही हीरो है उनके लिए ये फिल्म थिएटर में ही लाई जाएगी और ठीक उसी प्रकार फिल्म को पहले चौबीस सेप्टेम्बर दो को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में फिल्म को कोविड नाइन्टीन के चलते पूज करना पड़ा और तीन दिसंबर दो को फिल्म को फाइनली रिलीज करवा दिया गया जिसको करीबन इक्कीस सौ स्क्रीन मिली हुई थी जहां पे सोलह इंडिया में थी चार सौ इक्यावन स्क्रीन ओवरसीज में दी गई थी तो अच्छी खासी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ था और आहन से टिक परफॉर्मेंसिस की काफी तारीफ की गई थी फिल्म के ट्विस्ट और टन की भी काफी तारीफ की गई थी और ऑडियंस को

के पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप बिल्कुल वहां पे कर सकते हो अदरवाइज इसका जो ओरिजिनल वर्जन है जो RX100 के नाम से इसे बनाया गया था जिसका हिंदी डब वर्जन है है वो ऑफिशियली पे फ्री में अवेलेबल है, जो एडवाइज मीडिया डिजिटल और वहां मीडिया मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किया गया है जिसकी डबिंग भी अच्छी है वहां पे वो फिल्म भी इंजॉय कर सकते हो तो बस गैज आज के वीडियो में इतना ही था इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो छोटी बड़ी बाटते थी साथ ही में जो ओटी रिलीज की अपडेट थी जो ओरिजिनल वर्जन के ऊपर अपडेट थी कहाँ पे फ्री में देख सकते हो साथ ही में फिल्म का बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू फिल्म के कहानी के ऊपर एनालिसिस ये सभी चीज़ों के ऊपर हमने डिटेलिंग में बातचीत कर ली है तो ये वीडियो कैसा लगा अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू